लव साइमन मूवी के फैक्टो रिव्यूज लव साइमन एक 2018 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ग्रेक बेले बार्टेली द्वारा निर्देशित और ऑप्टेकर और एलिजाबेथ बर्जर द्वारा लिखित है और बेकी अल और और केवन्यास साइमन बनाम द होमोसेपियस एजेंडा पर आधारित है फिल्म में निक रॉबिन्स जोस डोहा मेल और जेनिफर गार्डन है यह हाई स्कूल के एक गुप्त समलिंग लड़के की साइमन स्पियर्स पर केंद्रित है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार और उसे पूरे स्कूल से बाहर निकलने की धमकी देने वाले ब्लैकमेलर के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही उस गुमनाम सहपाठी की पहचान का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके साथ उसे ऑनलाइन प्यार हो जाता है निर्देशक ग्रेग बर्टली पटकथा की कहानी से इस हाक ऑप्टेकर और, और एलिजाबेथ बर्जर है आधारित है बेकी अल्बर्टली पर और उत्पादित किया मार्टी बॉवेन ने विक गोड्रेन ने इस हाक क्लोन्सनर ने पोया सहाया बिजिया ने अभिनीति निक रोबिंसन जोस दुहा और जेनिफर गार्नर है छायांकर जॉन गुलेस सेरियन है संपादित है, हैरी जर्नियन द्वारा संगीत रॉब सिम्सन द्वारा उत्पादन कंपनी फोक्स टू थाउजेंड और टेम्पल्स हिल प्रोडक्शन टीएसनी मनोरंजन वितरित किया गया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2018 हज़ार फिल्म्स मार्डीग्राफ फेस्टिवल में 16 मार्च 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम एक सौ दस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट दस से सत्रह मिलियन डॉलर का था और इसने ऑफिस तो पर सिक्सटी थ्री सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर तक की कमाई की लव साइमन का प्रेमट सत्ताईस फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को मार्डी ग्रास के एक फे, फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहाँ इस फिल्म के बाद बीसवीं सेंचुरी द्वारा दो अठारह को सोलह मार्च को संयुक्त सिदर, संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था आलोचकों ने फिल्म की बड़े दिल विविध और प्रभावशाली कलाकारों और क्रांतिकारी सामान्य स्थिति के लिए प्रशंसा की और इसे कोमल मधुर और प्रभावशाली और बेहद आकर्षक भीड़ प्रशंसा के रूप में वर्णित किया गया जो मजाकिया गर्भ जैसे गर्म जोशी से भरा और जीवन पुष्टि करने वाला एक समीक्षाओं ने इसकी तुलना जॉन होसेस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से की थी समलैंगिक किशोर रोमांस पर केंद्रित एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है इसने दुनिया भर में छासठ मिलियन डॉलर की कमाई की और लव विक्टर्स नामक एक टेलीविजन श्रृंखला फिल्म का सम्मान ब्रह्मांड में स्थापित सत्रह जून दो को हुल पर प्रीमियर हुआ जिसमें रोमिंस पहले जीत से सीजन के लिए श्रृंखला के कथनांक के रूप में काम कर रहे थे कथानक में बताया गया है कि साइमन स्पियर अटलांटा जॉर्जिया के एक उपनगर में रहने वाला एक गुप्त समलैंगिक किशोर था उसका एक गरीबी और प्यारा परिवार था माता पिता एमली और एक जेक और एक बहन नोरा साथ ही तीन सबसे अच्छे दोस्त निक और ल जिन्हें वे अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से जानते हैं और नव एबी लिया ने साइमन को अपनी हाईस्कूल के एक बंद समलैंगिक छात्र के ऑनलाइन कबूलनामे के बारे में सूचित किया जिसे वह केवल छात्रा का नाम बलू से जाना जाता था साइमन छात्रा छात्रा का नाम जैक्स का उपयोग के ईमेल के माध्यम से ब्लू के साथ संवाद करना शुरू हुआ और दोनों व्यक्तिगत वितरण साझा करते थे और एक संबंध बनाते थे उनके इम, उनके ईमेल गलती से एक अन्य छात्र मार्टिन द्वारा खोजे जाते थे जो एबी के से प्रभावित होते थे और अपने रहस्य को जानने के बाद मार्टिन ने साइमन के ई ईमेल को सार्वजनिक करने की धमकी दी जब वह जब तक कि वह मार्टिन को एबी पर जीत हासिल करने में मदद नहीं करता साइमन यह पता पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि उन उसका कौन सा सहपाटी वास्तव में नीला है एक हेलोवीन पार्टी में साइमन को संदेश संदेह होता है कि उसका सहपाटी ब्रेम ब्रेम ब्लू हो सकता है वह उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन बाद में ब्रेम एक महिला छात्र के साथ संबंध बनाता है और निक साइमन को बताता है कि वह उनके मन में एबी, एबी के लिए भावना है साइमन ने निक से झूठ बोला और उसे बताया कि एबी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड है लिया नशे में धूत साइमन के घर जाती है और जहां वह स्पष्ट रूप से बोलती है कि उसे कैसा लगता है कि, कि उसके भाग्य में एक व्यक्ति से बहुत अधिक प्यार करना लिखा है साइमन का मानना है कि वह निक की बात कर रही है साइमन एक विफल हाउस में एबी और मार्टिन से मिलता है और जब वह उन्हें आगामी स्कूल संगीत के लिए एक साथ अभ्यास करने के लिए मना लेता है तो साइमन अपने सर्वर लायंस नामक एक सहपाटी के साथ बंध गया और वह अब उसे संदेश संदेह है कि लायल लायल ब्लू हो सकता है उस रात साइमन एबी के पास आता है और जब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो उसे राहत मिलती है एक स्कूल फुटबॉल खेल में साइमन की मुलाकात लायल से होती है इससे पहले कि वह पूछने का साहस जुटा सके और क्या लायल ब्लू उसे पता चलता है कि लायल वास्तव में एबी में रुचि रखती है और परेशान साइमन एबी से से प्रेमालाप करते समय परेशान करने वाली मार्टिना से कहा कहता है कि यह तो बड़े हो जाओ या घर जाओ मार्टिना ने राष्ट्रगान को बंधित किया और एबी ने एबी के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जब एबी स्वीकार करती है कि वह उन भावनाओं को साझा नहीं करती तो मार्टिन अपमानित होता है और वह उपहास का पत्र बना सकता है क्रिसमस की पूर्व मध्य पूर्व संध्या पर लोगों को अपने अपमान से विचलित करने के लिए मार्टिन ने स्कूल में की गपशप साइट पर अपने ईमेल पोस्ट करके साइमन को बाहर कर दिया साइमन की बहन नोरा साइमन को सातापना देने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे चुप करा देता है और अपने दोस्तों के संदेश को और और कोलो का जवाब दे नहीं देता साइमन क्रिसमस की सुबह अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें आश्चर्य और स्वीकृति मिलती है छुट्टियों के दिन के बाद निक और एबी जो एक जोड़े हैं और साइमन उसके द्वारा कहे गए झूठ के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के ब्लैकमेल के कारण उन्हें अलग रखने रखने की कोशिश की गई थी लिया और ने साइमन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती थी निक्स निक्स से नहीं और इस बात से परेशान है वह पहले एबी के पास आया और उसके दोस्तों द्वारा उससे नाता तोड़ने के बाद साइमन को ब्लू से एक अंतिम ईमेल प्राप्त हुआ और जो इस बात से परेशान है कि ईमेल लीक हो गया ब्लू साइमन से कहता है कि वह उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए इसका ईमेल अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कैफेटेरिया में साइमन और एक खुले आम समलैंगिक छात्र ऐसा कथन का सहपाठी द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और एथन एथन और साइमन उन कठिनाइयों से बंधे हैं जिन जिनका उन्हें बाहर आने में सामना करना पड़ा उसकी माँ के पास पहुँचने और उसकी सांत्वना देने के बाद साइमन ने लिया को माफी मांगी और उसे बताया कि वह ब्लू से प्यार करता है और साइमन ने सब साइट अपने दोस्तों को माफी कर मांगते हुए ब्लू की तलाश करते हुए उसे स्कूल कार्नी वल में मिलने के लिए कहते हुए एक बयान पोस्ट किया और स्कूल संग, संगीत के बाद लिया और निक के एबी साइमन के साथ फ्लै करते हैं और उसके उनके साथ कार्नी कार्निवल में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कार्निवल में ब्लू की प्रतीक्षा करते हुए साइमन के साथियों को एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हुए फेरिस व्हील की 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 सवारी की। जब वह साइमन टिकट टिकट खत्म खत्म हो जाते हैं तो मार्टिन अपने लिए एक और सवारी खरीदता है सवारी शुरू होने से ठीक पहले ब्रेम साइमन के बगल में बैठता है और आखिरकार खुद को ब्लू के रूप में प्रकट करता है साइमन ने छात्रा के साथ जो चुम्बन देखा था वह उसे नशे में हुई गलत फहमी भी थी वह एक एक साथ शहरियत वहील की सवारी करते और उसे चुमन करते हैं जबकि उनके दोस्त उनका उत्साह बढ़ाते हैं साइमन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और उसका प्रेम के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है अपने दोस्तों और प्रेमी को स्कूल के लिए चुनते समय साइमन सुझाव देता है कि वे अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को छोड़ देंगे और बयान थोड़े साहसिक कार्य पर जाएंगे ढलान में साइमन स्पेयर के रूप में निक रोबिनसन ने किरदार निभाया है साइमन के पिता के रूप में स्पियर के रूप में जोस मेल नजर आए हैं एमिल स्पियर साइमन की मां के रूप में जेनिफर गार्नर नजर आए हैं लेह बर्क के रूप में कैथरीन लेगफोर्ड साइमन के सबसे अच्छे दोस्त नजर आए हैं निक आइजनर के रूप में जॉर्ज लेडेबोर्ग जूनियर साइमन के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और इब्राहिम ब्रेड ब्रेम ग्रीनफील्ड के रूप में किनिन लोसडेन साइमन की प्रेमिका है केल प्राइस के रूप में माइल्स माइल्स है माइल्स हैजर्क साइमन के सहपाठियों के रूप में है मार्टिन एडिसन के रूप में लोगन मिलर साइमन के एक सहपाठी में से उसे ब्लैकमेल करता है और मिस्टर वर्थ के रूप में टोनी होल टोनी हेल जिस स्कूल में साइमन जाता है उसका अजीब वाइस प्रिंसिपल है नोरा स्पीयर साइमन की बहन के रूप में तलीथा बैटमैन सिक्स वर्सिया नोरा स्पियर के रूप में स्काई मोबरे हैं एथन के रूप में क्लर्क क्लर्कमू साइमन के सहपाठियों में से एक है जो उसे खुले तौर पर समलिंग है और जो पोल्रीस लाइस के रूप में स्थानीय भोजनालय में खिलवाड़ को आदि सर्वर है टेलर मेटनेचर मेट के रूप में मैकेज लिंटर साइमन के एक सहपाठियों में से एक है लव साइमन मूवी के फैक्टो रिव्यूज लव साइमन एक दो की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ग्रेक बेले बार्टेली द्वारा निर्देशित और ऑप्टेकर और एलिजाबेथ बर्जर द्वारा लिखित है और बेकी अल और केवन्यास साइमन बनाम द होमोसेपियस एजेंडा पर आधारित है फिल्म में निक रॉबिन्स, जोस डोहा मेल और जेनिफर गार्डन है यह हाई स्कूल के एक गुप्त समनेंगे लड़के की साइमन स्पीयर्स पर केंद्रित है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार और उसे पूरे स्कूल से बाहर निकलने की धमकी देने वाले ब्लैकमेलर के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही उस गुमनाम सहपाठी की पहचान का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके साथ उसे ऑनलाइन प्यार हो जाता है निर्देशक ग्रेग बार्टली पटकथा की कहानी से हाक ऑपटेकर और, और एलिजाबेथ बर्जर है आधारित है बेकी अल्बर्टली पर और उत्पादित किया मार्टी बोवेन ने विक गोड्रेन ने इस ने पोया सहायक विज्या अभिनीति निक जोस जोश और जेनिफर गार्नर है छाया जॉन गुले सेरियन है संपादित है, हैरी जर्नियंस द्वारा संगीत रॉब सिम्सन द्वारा उत्पादन कंपनी फोक्स टू थाउजेंड फिक्सर्स और टेम्पल्स हिल प्रोडक्शन टीएसनी मनोरंजन वितरित किया गया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2018 हज़ार मार्डीग्राफ फिल्म फेस्टिवल में 16 मार्च 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 110 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 10 से 17 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस तो पर सिक्सटी थ्री मिलियन डॉलर तक की कमाई की लव साइमन का प्रेमट छ सत्ताईस फरवरी 2018 को मार्डी ग्रास के एक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहां इस फिल्म के बाद बीसवीं सेंचुरी द्वारा 2018 को 16 मार्च को संयुक्त सेथर, राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों ने फिल्म की बड़े दिल विविध और प्रभावशाली कलाकारों और क्रांतिकारी सामान्य स्थिति के लिए प्रशंसा की और इसे कोमल मधुर और प्रभावशाली और बेहद आकर्षक भीड़ प्रशंसा के रूप में वर्णित किया गया जो मजाकिया गर्भ जैसे गर्म जोशी से भरा और जीवन पुष्टि करने वाला एक समीक्षाओं ने इसकी तुलना जॉन हुसेस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से की थी समलैंगिक किशोर रोमांस पर केंद्रित एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है इसने दुनिया भर में छासठ मिलियन डॉलर की कमाई की और लव विक्टर्स नामक एक टेलीविजन श्रृंखला फिल्म का सम्मान ब्रह्मांड में स्थापित सत्रह जून दो हजार बीस को हुल पर प्रीमियर हुआ जिसमें रोमिंस पहले जीत से जिन सीजन के लिए श्रृंखला के कथानक के रूप में काम कर रहे थे कथानक में बताया गया है कि साइमन स्पियर अटलांटा जॉर्जिया के एक उपनगर में रहने वाला एक गुप्त समलैंगिक किशोर था उसका एक गरीबी और प्यारा परिवार था माता पिता एमली और एक जेक और एक बहन नोरा साथ ही तीन सबसे अच्छे दोस्त निक और जिन्हें वे अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से जानते हैं और नव, नवांगुतुक एबी लियो ने साइमन को अपनी हाई स्कूल के एक बंद समलैंगिक छात्र के ऑनलाइन कबूलनामे के बारे में सूचित किया जिसे वह केवल छात्रा का नाम बलू से जाना जाता था साइमन छात्रा छद्धा का नाम जैक्स का उपयोग के ईमेल के माध्यम से ब्लू के साथ संवाद करना शुरू हुआ और दोनों व्यक्तिगत वितरण साझा करते थे और एक संबंध बनाते थे उनके इम, उनके ईमेल गलती से एक अन्य छात्र मार्टिन द्वारा खोजे जाते थे जो एबी के से प्रभावित होते थे और अपने रहस्य को जानने के बाद मार्टिन ने साइमन के ईमेल को सार्वजनिक करने की धमकी दी जब वह जब तक कि वह मार्टिन को एबी पर जीत हासिल करने में मदद नहीं करता साइमन यह पता पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि उन उसका कौन सा सहपाटी वास्तव में नीला है एक हेलोवीन पार्टी में साइमन को संदेश संदेह होता है कि उसका सहपाठी ब्रेम ब्रेम ब्लू हो सकता है वह उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन बाद में ब्रेम एक महिला छात्र के साथ संबंध बनाता है और निक साइमन को बताता है कि वह उनके मन में एबी, एबी के लिए भावनाएं है साइमन ने निक से झूठ बोला और उसे बताया कि एबी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड है लिया नशे में धूत साइमन के घर जाती है और जहां वह स्पष्ट रूप से बोलती है कि उसे कैसा लगता है कि, कि उसके भाग्य में एक व्यक्ति से बहुत अधिक प्यार करना लिखा है साइमन का मानना है कि वह निक की बात कर रही है साइमन एक विफल हाउस में एबी और मार्टिन से मिलता है और जब वह उन्हें आगामी स्कूल संगीत के लिए एक साथ अभ्यास करने के लिए मना लेता है तो साइमन अपने सर्वर लायंस नामक एक सहपाठी के साथ बंध गया और वह अब उसे संदेश संदेह है कि लायल लायल ब्लू हो सकता है उस रात साइमन एबी के पास आता है और जब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो उसे राहत मिलती है एक स्कूल फुटबॉल खेल में साइमन की मुलाकात लायल से होती है इससे पहले कि वह पूछने का साहस जुटा सके और क्या लायल ब्लू उसे पता चलता है कि लाइल वास्तव में एबी में रुचि रखती है और परेशान साइमन एबी से से प्रेमालाप करते समय परेशान करने वाली मार्टिना से कहा कहता है कि यह तो बड़े हो जाओ या घर जाओ मार्टिना ने राष्ट्रगान को बंधित किया और एबी ने एबी के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जब एबी स्वीकार करती है कि वह उन भावनाओं को साझा नहीं करती तो मार्टिन अपमानित होता है और वह उपहास का पत्र बना सकता है क्रिसमस की पूर्व मध्य पूर्व संध्या पर लोगों को अपने अपमान से विचलित करने के लिए मार्टिन ने स्कूल में की गपशप साइट पर अपने ईमेल पोस्ट करके साइमन को बाहर कर दिया साइमन की बहन नोरा साइमन को सातापना देने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे चुप करा देता है और अपने दोस्तों के संदेश को और और कोलो का जवाब दे नहीं देता साइमन क्रिसमस की सुबह अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें आश्चर्य और स्वीकृति मिलती है छुट्टियों के दिन के बाद निक और एबी जो एक जोड़े हैं और साइमन उसके द्वारा कहे गए झूठ के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के ब्लैकमेल के कारण उन्हें अलग रखने, रखने की कोशिश की गई थी लिया और ने साइमन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती थी निक्स निक्स से नहीं और इस बात से परेशान है वह पहले एबी के पास आया और उसके दोस्तों द्वारा उससे नाता तोड़ने के बाद साइमन को ब्लू से एक अंतिम ईमेल प्राप्त हुआ और जो इस बात से परेशान है कि ईमेल लीक हो गया ब्लू साइमन से कहता है कि वह उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए इसका ईमेल अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कैफेटेरिया में साइमन और एक खुले आम समलैंगिक छात्र ऐसा कथन का सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और एथन एथन और साइमन उन कठिनाइयों से बंधे हैं जिन जिनका उन्हें बाहर आने में सामना करना पड़ा उसकी मां के पास पहुंचने और उसकी सांत्वना देने के बाद साइमन ने लिया को माफी मांगी और उसे बताया कि वह ब्लू से प्यार करता है और साइमन ने गप सब साइट अपने दोस्तों को माफी कर मांगते हुए ब्लू की तलाश करते हुए उसे स्कूल कारनी वल में मिलने के लिए कहते हुए एक बयान पोस्ट किया और स्कूल संग, संगीत के बाद लिया और निक के एबी साइमन के साथ फ्लै करते हैं और उसके उनके साथ कारणी कार्निवल में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कार्निवल में ब्लू की प्रतीक्षा करते हुए साइमन साइमन के ने साथियों को को एक बड़ी भीड़ आकर्षित करते हुए फेरिस व्हील की 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 सवारी की। जब वह टिकट टिकट खत्म खत्म हो जाते हैं तो मार्टिन अपने लिए एक और सवारी खरीदता है सवारी शुरू होने से ठीक पहले ब्रेम साइमन के बगल में बैठता है और आखिरकार खुद को ब्लू के रूप में प्रकट करता है साइमन ने छात्रा के साथ जो चुम्बन देखा था वह उसे नशे में हुई गलतफहमी भी थी वह एक एक साथ शहरियत वहील की सवारी करते और उसे चुमन करते हैं जबकि उनके दोस्त उनका उत्साह बढ़ाते हैं साइमन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और उसका प्रेम के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है अपने दोस्तों और प्रेमी को स्कूल के लिए चुनते समय साइमन सुझाव देता है कि वे अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को छोड़ देंगे और बयान थोड़े साहसिक कार्य पर जाएंगे ढलान में साइमन स्पेयर के रूप में निक रोबिनसन ने किरदार निभाया है साइमन के पिता के रूप में स्पियर के रूप में जोस मेल नजर आए हैं एमिल स्पियर साइमन की मां के रूप में जेनिफर गार्नर नजर आए हैं लेह बर्क के रूप में कैथरीन लेगफोर्ड साइमन के सबसे अच्छे दोस्त नजर आए हैं निक आइजनर के रूप में जॉर्ज लेडेबोर्क जूनियर साइमन के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और इब्राहिम ब्रेड ब्रेम ग्रीनफील्ड के रूप में किनिन लोसडेन साइमन की प्रेमिका है कैल प्राइस के रूप में माइल्स माइल्स है माइल्स हैजर्क साइमन के सहपाठियों के रूप में है मार्टिन एडिसन के रूप में लोगन मिलर साइमन के एक सहपाठी में से उसे ब्लैकमेल करता है और मिस्टर वर्थ के रूप में टोनी होल टोनी हेल जिस स्कूल में साइमन जाता है उसका अजीब वाइस प्रिंसिपल है नोरा स्पीयर साइमन की बहन के रूप में तलीथा बैटमैन सिक्स वर्सिया नोरा स्पियर के रूप में स्काई मोबरे हैं एथन के रूप में क्लर्कमूर साइमन के सहपाठियों में से एक है जो उसे खुले तौर पर समलिंग है और जो पोलिस लाइस के रूप में स्थानीय भोजनालय में खिलवाड़ को आदि सर्वर है टेलर मेटनेचर मेट के रूप में मैकेज लिंटर साइमन के सहपाठियों में से एक है लव साइमन मूवी के फैक्टोर रिव्यूज लव साइमन एक दो हजार की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ग्रेक बेले बार्टेली द्वारा निर्देशित और इसहाक और एलिजाबेथ बर्जर द्वारा लिखित है और बेकी अल, अल्बर्टली और केवन्यास साइमन बनाम द होमोसैपियस एजेंडा पर आधारित है फिल्म में निक रॉबिन्स जोस डोहा मेल और जेनिफर गार्डन है यह हाई स्कूल के एक गुप्त समलिंग लड़के की साइमन स्पीयर्स पर केंद्रित है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार और उसे पूरे स्कूल से बाहर निकलने की धमकी देने वाले ब्लैकमेलर के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही उस गुमनाम सहपाठी की पहचान का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके साथ उसे ऑनलाइन प्यार हो जाता है निर्देशक ग्रेग बार्टली पटकथा की कहानी से हाक ऑप्टेकर और, और एलिजाबेथ बर्जर है आधारित है बेकी अल्बर्टली पर और उत्पादित किया मार्टी बोवेन ने विक गोडफ्रेन ने इस क्लोसनर ने पोया सहायक बिजिया ने अभिनीति निक रोबिनसंस और जेनिफर गार्नर है छायांकर जॉन सेरियन है संपादित है, हैरी जर्नियन द्वारा संगीत रॉब सिम्पसन द्वारा उत्पादन कंपनी फोक्स टू थाउजेंड और टेम्पल्स हिल प्रोडक्शन टीएसनी मनोरंजन वितरित किया गया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2018 हज़ार फिल्म्स फिल्म फेस्टिवल में 16 मार्च 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 110 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 10 से 17 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस तो पर सिक्सटी थ्री सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर तक की कमाई की लव साइमन का प्रेमट छ सत्ताईस फरवरी 2018 को मार्डी ग्रास के एक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहां इस फिल्म के बाद बीसवीं सेंचुरी द्वारा 2018 को 16 मार्च को संयुक्त सेथर, राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों ने फिल्म की बड़े दिल विविध और प्रभावशाली कलाकारों और क्रांतिकारी सामान्य स्थिति के लिए प्रशंसा की और इसे कोमल मधुर और प्रभावशाली और बेहद आकर्षक भीड़ प्रशंसता के रूप में वर्णित किया गया जो मजाकिया गर्भ जैसे गर्म जोशी से भरा और जीवन पुष्टि करने वाला एक समीक्षाओं ने इसकी तुलना जॉन होसेस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से की थी समलैंगिक किशोर रोमांस पर केंद्रित एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है इसने दुनिया भर में छासठ मिलियन डॉलर की कमाई की और लव विक्टर्स नामक एक टेलीविजन श्रृंखला फिल्म का सम्मान ब्रह्मांड में स्थापित सत्रह जून २०२० को हुल पर प्रीमर हुआ जिसमें रोमिंस पहले जीत सीजन के लिए श्रृंखला के कथानक के रूप में काम कर रहे थे कथानक में बताया गया है कि साइमन स्पियर अटलांटा जॉर्जिया के एक उपनगर में रहने वाला एक गुप्त समलैंगिक किशोर था उसका एक गरीबी और प्यारा परिवार था माता पिता एमली और एक जेक और एक बहन नोरा साथ ही तीन सबसे अच्छे दोस्त निक और जिन्हें वे अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से जानते हैं और नव, एबी लियो ने साइमन को अपनी हाई स्कूल के एक बंद समलैंगिक छात्र के ऑनलाइन कबूलनामे के बारे में सूचित किया जिसे वह केवल छात्रा का नाम बलू से जाना जाता था साइमन छात्रा छद्धा का नाम जैक्स का उपयोग के ईमेल के माध्यम से ब्लू के साथ संवाद करना शुरू हुआ और दोनों व्यक्तिगत वितरण साझा करते थे और एक संबंध बनाते थे उनके ईमेल इम, गलती से एक अन्य छात्र मार्टिन द्वारा खोजे जाते थे जो एबी के से प्रभावित होते थे और अपने रहस्य को जानने के बाद मार्टिन ने साइमन के ईमेल को सार्वजनिक करने की धमकी दी जब वह जब तक कि वह मार्टिन को एबी पर जीत हासिल करने में मदद नहीं करता साइमन यह पता पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि उन उसका कौन सा वास्तव में नीला है एक हेलोवीन पार्टी में साइमन को संदेश होता संदेह होता है कि उसका सहपाटी ब्रेम ब्रेम ब्लू हो सकता है वह उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन बाद में ब्रेम एक महिला छात्र के साथ संबंध बनाता है और निक साइमन को बताता है कि वह उनके मन में एबी, एबी के लिए भावना है साइमन ने निक से झूठ बोला और उसे बताया कि एबी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड है लिया नशे में धुत साइमन के घर जाती है और जहां वह स्पष्ट रूप से बोलती है कि उसे कैसा लगता है कि, कि उसके भाग्य में एक व्यक्ति से बहुत अधिक प्यार करना लिखा है साइमन का मानना है कि वह निक की बात कर रही है साइमन एक विफल हाउस में एबी और मार्टिन से मिलता है और जब वह उन्हें आगामी स्कूल संगीत के लिए एक साथ अभ्यास करने के लिए मना लेता है तो साइमन अपने सर्वर लायंस नामक एक सहपाटी के साथ बंध गया और वह अब उसे संदेश संदेह है कि लायल लायल बलू हो सकता है उस रात साइमन एबी के पास आता है और जब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो उसे राहत मिलती है एक स्कूल फुटबॉल खेल में साइमन की मुलाकात लायल से होती है इससे पहले कि वह पूछने का साहस जुटा सके और क्या लायल ब्लू उसे पता चलता है कि लाइल वास्तव में एबी में रुचि रखती है और परेशान साइमन एबी से से प्रेमालाप करते समय परेशान करने वाली मार्टिना से कहा कहता है कि यह तो बड़े हो जाओ या घर जाओ मार्टिना ने राष्ट्रगान को बंधित किया और एबी ने एबी के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जब एबी स्वीकार करती है कि वह उन भावनाओं को साझा नहीं करती तो मार्टिन अपमानित होता है और वह हास का पत्र बना सकता है क्रिसमस की पूर्व मध्य पूर्व संध्या पर लोगों को अपने अपमान से विचलित करने के लिए मार्टिन ने स्कूल में की गपशप साइट पर अपने ईमेल पोस्ट करके साइमन को बाहर कर दिया साइमन की बहन नौरा साइमन को सा, संतापना देने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे चुप करा देता है और अपने दोस्तों के संदेश को और और कोलो का जवाब दे नहीं देता साइमन क्रिसमस की सुबह अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें आश्चर्य और स्वीकृति मिलती है छुट्टियों के दिन के बाद निक और एबी जो एक जोड़े हैं और साइमन उसके द्वारा कहे गए झूठ के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के ब्लैकमेल के कारण उन्हें अलग रखने, रखने की कोशिश की गई थी लिया और ने साइमन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती थी निक्स निक्स से नहीं और इस बात से परेशान है वह पहले एबी के पास आया और उसके दोस्तों द्वारा उससे नाता तोड़ने के बाद साइमन को ब्लू से एक अंतिम ईमेल प्राप्त हुआ और जो इस बात से परेशान है कि ईमेल लीक हो गया ब्लू साइमन से कहता है कि वह उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए इसका ईमेल अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कैफेटेरिया में साइमन और एक खुले आम समलैंगिक छात्र ऐसा कथन का सहपाटियों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और एथन एथन और साइमन उन कठिनाइयों से बंधे हैं जिन जिनका उन्हें बाहर आने में सामना करना पड़ा उसकी माँ के पास पहुँचने और उसकी सांत्वना देने के बाद साइमन ने लिया को माफी मांगी और उसे बताया कि वह ब्लू से प्यार करता है और साइमन ने गप सब साइट अपने दोस्तों को माफी कर मांगते हुए ब्लू की तलाश करते हुए उसे स्कूल कार्वल में मिलने के लिए कहते हुए एक बयान पोस्ट किया और स्कूल संग, संगीत के बाद लिया और के एबी साइमन के साथ फुलह करते हैं और उसके उनके साथ कार् कार्निवल में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कार्निवल में ब्लू की प्रतीक्षा करते हुए एक और सवारी खरीदता है सवारी शुरू होने से ठीक पहले ब्रेम साइमन के बगल में बैठता है और आखिरकार खुद को ब्लू के रूप में प्रकट करता है साइमन ने छात्रा के साथ जो चुम्बन देखा था वह उसे नशे में हुई गलतफहमी फहमी भी थी वह एक एक साथ शहरियत वहील की सवारी करते और उसे चुमन करते हैं जबकि उनके दोस्त उनका उत्साह बढ़ाते हैं साइमन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और उसका प्रेम के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है अपने दोस्तों और प्रेमी को स्कूल के लिए चुनते समय साइमन सुझाव देता है कि वे अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को छोड़ देंगे और बयान थोड़े साहित्य साहसिक कार्य पर जाएंगे ढलान में साइमन स्पेयर के रूप में निक रोबिंसन ने किरदार निभाया है साइमन के पिता के रूप में स्पियर के रूप में जोस हुडा मेल नजर आए हैं एमिल स्पियर साइमन की मां के रूप में जेनिफर गार्नर नजर आए हैं लेह बर्क के रूप में कैथरीन लेगफोर्ड साइमन के सबसे अच्छे दोस्त नजर आए हैं निक आइजनर के रूप में जॉर्ज लेडेबोर्क जूनियर साइमन के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और इब्राहिम ब्रेड ब्रेम ग्रीनफील्ड के रूप में किनिन लोफडेन साइमन की प्रेमिका है कैल प्राइस के रूप में माइल्स माइल्स है माइल्स हैजर्क साइमन के सहपाठियों के रूप में है मार्टिन एडिसन के रूप में लोगन मिलर साइमन के एक सहपाठी में से उसे ब्लैकमेल करता है और मिस्टर वर्थ के रूप में टोनी होल टोनी हेल जिस स्कूल में साइमन जाता है उसका अजीब वाइस प्रिंसिपल है नोरा स्पीयर साइमन की बहन के रूप में तलीथा बैटमैन सिक्स वर्षीय नोरा स्पीयर के रूप में स्काई मोब्रे हैं एथन के रूप में क्लर्कमू साइमन के सहपाठियों में से एक है जो उसे खुले तौर पर समलिंग है और जो पोलरी लाइफ के रूप में स्थानीय भोजनालय में खिलवाड़ को आदि सर्वर है टेलर मेटनेचर मेट के रूप में मैकेज लिंटर साइमन के सहपाठियों में से एक है लव साइमन मूवी के फैक्टोर रिव्यूज लव साइमन एक 2018 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ग्रेक बेले बार्टेली द्वारा निर्देशित और इसहाक और एलिजाबेथ बर्जर द्वारा लिखित है और बेकी अल, अल्बर्टली और केवन्यास साइमन बनाम द होमोसेपियस एजेंडा पर आधारित है फिल्म में निक रॉबिन्स, जोस डोहा मेल और जेनिफर गार्डन है यह हाई स्कूल के एक गुप्त समनिंग लड़के की साइमन स्पीयर्स पर केंद्रित है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार और उसे पूरे स्कूल से बाहर निकलने की धमकी देने वाले ब्लैकमेलर के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही उस गुमनाम सहपाठी की पहचान का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके साथ उसे ऑनलाइन प्यार हो जाता है निर्देशक ग्रेग बार्टली पटकथा की कहानी से हाक ऑप्टेकर और, और एलिजाबेथ बर्जर है आधारित है बेकी अल्बर्टली पर और उत्पादित किया मार्टी बोवेन ने विक गोडफ्रेन ने इस क्लोसनर ने पोया सहायक बिजिया ने अभिनीति निक जोस दुहामेल और जेनिफर गार्नर है छायांका जॉन सेरियन है संपादित है, हैरी जर्नियंस द्वारा संगीत रॉब सिम्सन द्वारा उत्पादन कंपनी फोक्स टू थाउजेंड और टेम्पल्स हिल प्रोडक्शन टीएसनी मनोरंजन वितरित किया गया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2018 हज़ार अठारह मार्डीग्राफ फिल्म फेस्टिवल में 16 मार्च 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 110 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 10 से 17 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस तो पर सिक्सटी थ्री मिलियन डॉलर तक की कमाई की लव साइमन का प्रेमर छ सत्ताईस फरवरी 2018 को मार्डी ग्रास के एक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहां इस फिल्म के बाद बीसवीं सेंचुरी द्वारा 2018 को 16 मार्च को संयुक्त सेथर, राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों ने फिल्म की बड़े दिल विविध और प्रभावशाली कलाकारों और क्रांतिकारी सामान्य स्थिति के लिए प्रशंसा की और इसे कोमल मधुर और प्रभावशाली और बेहद आकर्षक भीड़ प्रशंसता के रूप में वर्णित किया गया जो मजाकिया गर्भ जैसे गर्मजोशी से भरा और जीवन पुष्टि करने वाला एक समीक्षाओं ने इसकी तुलना जॉन होसेस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से की थी समलैंगिक किशोर रोमांस पर केंद्रित एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है इसने दुनिया भर में छासठ मिलियन डॉलर की कमाई की और लव विक्टर्स नामक एक टेलीविजन श्रृंखला फिल्म का सम्मान ब्रह्मांड में स्थापित सत्रह जून २०२० को हुल पर प्रीमियर हुआ जिसमें रोमिंस पहले जीत सीजन के लिए श्रृंखला के कथानक के रूप में काम कर रहे थे कथानक में बताया गया है कि साइमन स्पियर अटलांटा जॉर्जिया के एक उपनगर में रहने वाला एक गुप्त समलैंगिक किशोर था उसका एक गरीबी और प्यारा परिवार था माता पिता एमली और एक जेक और एक बहन नोरा साथ ही तीन सबसे अच्छे दोस्त निक और जिन्हें वे अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से जानते हैं और नव, एबी लियो ने साइमन को अपनी हाई स्कूल के एक बंद समलैंगिक छात्र के ऑनलाइन कबूलनामे के बारे में सूचित किया जिसे वह केवल छात्रा का नाम बलू से जाना जाता था साइमन छात्रा छद्धा का नाम जैक्स का उपयोग के ईमेल के माध्यम से ब्लू के साथ संवाद करना शुरू हुआ और दोनों व्यक्तिगत वितरण साझा करते थे और एक संबंध बनाते थे उनके ईमेल इम, गलती से एक अन्य छात्र मार्टिन द्वारा खोजे जाते थे जो एबी के से प्रभावित होते थे और अपने रहस्य को जानने के बाद मार्टिन ने साइमन के ईमेल को सार्वजनिक करने की धमकी दी जब वह जब तक कि वह मार्टिन को एबी पर जीत हासिल करने में मदद नहीं करता साइमन यह पता पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि उन उसका कौन सा सहपाटी वास्तव में नीला है एक हेलोवीन पार्टी में साइमन को संदेश हो, संदेह होता है कि उसका सहपाटी ब्रेम ब्रेम ब्लू हो सकता है वह उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन बाद में ब्रेम एक महिला छात्र के साथ संबंध बनाता है और निक साइमन को बताता है कि वह उनके मन में एब, एबी के लिए भावना है साइमन ने निक से झूठ बोला और उसे बताया कि एबी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड है लिया नशे में धुत साइमन के घर जाती है और जहां वह स्पष्ट रूप से बोलती है कि उसे कैसा लगता है कि, कि उसके भाग्य में एक व्यक्ति से बहुत अधिक प्यार करना लिखा है साइमन का मानना है कि वह निक की बात कर रही है साइमन एक विफल हाउस में एबी और मार्टिन से मिलता है और जब वह उन्हें आगामी स्कूल संगीत के लिए एक साथ अभ्यास करने के लिए मना लेता है तो साइमन अपने सर्वर लायंस नामक एक सहपाटी के साथ बंद गया और वह अब उसे संदेश संदेह है कि लायल लायल बलू हो सकता है उस रात साइमन एबी के पास आता है और जब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो उसे राहत मिलती है एक स्कूल फुटबॉल खेल में साइमन की मुलाकात लायल से होती है इससे पहले कि वह पूछने का साहस जुटा सके और क्या लायल ब्लू उसे पता चलता है कि लाइल वास्तव में एबी में रुचि रखती है और परेशान साइमन एबी से से प्रेमालाप करते समय परेशान करने वाली मार्टिना से कहा कहता है कि यह तो बड़े हो जाओ या घर जाओ मार्टिना ने राष्ट्रगान को बंधित किया और एबी ने एबी के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जब एबी स्वीकार करती है कि वह उन भावनाओं को साझा नहीं करती तो मार्टिन अपमानित होता है और वह हास का पत्र बना सकता है क्रिसमस की पूर्व मध्य पूर्व संध्या पर लोगों को अपने अपमान से विचलित करने के लिए मार्टिन ने स्कूल में की गपशप साइट पर अपने ईमेल पोस्ट करके साइमन को बाहर कर दिया साइमन की बहन नौरा साइमन को सा, संतापना देने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे चुप करा देता है और अपने दोस्तों के संदेश को और और कोलो का जवाब दे नहीं देता साइमन क्रिसमस की सुबह अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें आश्चर्य और स्वीकृति मिलती है छुट्टियों के दिन के बाद निक और एबी जो एक जोड़े हैं और साइमन उसके द्वारा कहे गए झूठ के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के ब्लैकमेल के कारण उन्हें अलग रखने रखने की कोशिश की गई थी लिया और ने साइमन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती थी निक्स निक्स से नहीं और इस बात से परेशान है वह पहले एबी के पास आया और उसके दोस्तों द्वारा उससे नाता तोड़ने के बाद साइमन को ब्लू से एक अंतिम ईमेल प्राप्त हुआ और जो इस बात से परेशान है कि ईमेल लीक हो गया ब्लू साइमन से कहता है कि वह उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए इसका ईमेल अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कैफेटेरिया में साइमन और एक खुले आम समलैंगिक छात्र ऐसा कथन का सहपाटियों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और एथन एथन और साइमन उन कठिनाइयों से बंधे हैं जिन जिनका उन्हें बाहर आने में सामना करना पड़ा उसकी माँ के पास पहुँचने और उसकी सांत्वना देने के बाद साइमन ने लिया को माफ़ी मांगी और उसे बताया कि वह ब्लू से प्यार करता है और साइमन ने गप सब साइट अपने दोस्तों को माफ़ी कर मांगते हुए ब्लू की तलाश करते हुए उसे स्कूल कारनी वल में मिलने के लिए कहते हुए एक बयान पोस्ट किया और संग, स्कूल संगीत के बाद लिया और के एबी साइमन के साथ सुलह करते हैं और उसके उनके साथ कारनी कार्निवल में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कार्निवल में ब्लू की प्रतीक्षा करते हुए एक और सवारी खरीदता है सवारी शुरू होने से ठीक पहले ब्रेम साइमन के बगल में बैठता है और आखिरकार खुद को ब्लू के रूप में प्रकट करता है साइमन ने छात्रा के साथ जो चुम्बन देखा था वह उसे नशे में हुई गलतफहमी भी थी वह एक एक साथ शहरियत वहील की सवारी करते और उसे चुमन करते हैं जबकि उनके दोस्त उनका उत्साह बढ़ाते हैं साइमन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और उसका प्रेम के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है अपने दोस्तों और प्रेमी को स्कूल के लिए चुनते समय साइमन सुझाव देता है कि वे अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को छोड़ देंगे और बयान थोड़े साहसिक कार्य पर जाएंगे ढलान में साइमन स्पेयर के रूप में निक रोबिंसन ने किरदार निभाया है साइमन के पिता के रूप में स्पियर के रूप में जोस मेल नजर आए हैं एमिल स्पियर साइमन की मां के रूप में जेनिफर गार्नर नजर आए हैं लेह बर्ग के रूप में कैथरीन लेगफोर्ड साइमन के सबसे अच्छे दोस्त नजर आए हैं निक आइजनर के रूप में जॉर्ज लेडेबोर्क जूनियर साइमन के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और इब्राहिम ब्रेड ब्रेम ग्रीनफील्ड के रूप में किनिन लोसडेन साइमन की प्रेमिका है कैल प्राइस के रूप में माइल्स माइल्स है माइल्स हैजर साइमन के सहपाठियों के रूप में है मार्टिन एडिसन के रूप में लोगन मिलर साइमन के एक सहपाठी में से उसे ब्लैकमेल करता है और मिस्टर वर्थ के रूप में टोनी होल टोनी हेल जिस स्कूल में साइमन जाता है उसका अजीब वाइस प्रिंसिपल है नोरा स्पीयर साइमन की बहन के रूप में तलीथा बैटमैन सिक्स वर्षीय नोरा स्पीयर के रूप में स्काई मोबरे हैं एथन के रूप में क्लर्क क्लर्कमू साइमन के सहपाठियों में से एक है जो उसे खुले तौर पर सामलिंग है और जो पोलरिस लाइस के रूप में स्थानीय भोजनालय में खिलवाड़ को आदि सर्वर है टेलर मेटनेचर मेट के रूप में मैकेनिजी लिंटर साइमन के एक सहपाठियों में से एक है लव साइमन मूवी के फैक्टोर रिव्यूज लव साइमन एक 2018 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ग्रेक बेले बार्टेली द्वारा निर्देशित और इसहाक और एलिजाबेथ बर्जर द्वारा लिखित है और बेकी अल, अल्बर्टली और के साइमन बनाम द होमोसेपियस एजेंडा पर आधारित है फिल्म में निक रॉबिन्स, जोस डोहा मेल और जेनिफर गार्डन है यह हाई स्कूल के एक गुप्त समलिंग लड़के की साइमन स्पियर्स पर केंद्रित है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार और उसे पूरे स्कूल से बाहर निकलने की धमकी देने वाले ब्लैकमेलर के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही उस गुमनाम सहपाठी की पहचान का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके साथ उसे ऑनलाइन प्यार हो जाता है निर्देशक ग्रेग बर्टली पटकथा की कहानी से इसहाक ऑप्टेकर और, और एलिजाबेथ बर्जर है आधारित है बेकी अल्बर्टली पर और उत्पादित किया मार्टी बोवेन ने विक गोडफ्रे ने इसहाक क्लोन्सनर ने पोया सहायक विज्या अभिनीति निक जोस दुहामेल और जेनिफर गार्नर है छायांकर जॉन जॉन सेरियन है संपादित है, हैरी जर्नियन द्वारा संगीत रॉब सिम्सन द्वारा उत्पादन कंपनी फोक्स टू थाउजेंड और टेम्पल्स हिल प्रोडक्शन मनोरंजन वितरित किया गया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2018 हजार अट्ठारह मार्डीग्राफ फिल्म फेस्टिवल में सोलह मार्च दो हज़ार अठारह संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 110 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 10 से 17 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस तो पर सिक्सटी थ्री सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर तक की कमाई की लव साइमन का प्रेमट सत्ताईस फरवरी 2018 को मार्डी ग्रास के एक फे फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहां इस फिल्म के बाद बीसवीं सेंचुरी द्वारा 2018 को 16 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था आलोचकों ने फिल्म की बड़े दिल विविध और प्रभावशाली कलाकारों और क्रांतिकारी सामान्य स्थिति के लिए प्रशंसा की और इसे कोमल मधुर और प्रभावशाली और बेहद आकर्षक भीड़ प्रशंसता के रूप में वर्णित किया गया जो मजाकिया गर्व जैसे गर्मजोशी से भरा और जीवन पुष्टि करने वाला एक समीक्षाओं ने इसकी तुलना जॉन हुसेस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से की थी समलैंगिंग किशोर रोमांस पर केंद्रित एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है इसने दुनिया भर में 66 मिलियन डॉलर की कमाई की और लव विक्टर्स नामक एक टेलीविजन श्रृंखला फिल्म का सम्मान ब्रह्मांड में स्थापित 17 जून 2020 को हुल पर प्रीमियर हुआ जिसमें रोमिंस पहले जीत से जिन सीजन के लिए श्रृंखला के कथानक के रूप में काम कर रहे थे कथानक में बताया गया है कि साइमन स्पियर अटलांटा जॉर्जिया के एक उपनगर में रहने वाला एक गुप्त समलैंगिक किशोर था उसका एक गरीबी और प्यारा परिवार था माता पिता एमली और एक जेक और एक बहन नोरा साथ ही तीन सबसे अच्छे दोस्त निक और जिन्हें वे अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से जानते हैं और नव, एबी लियो ने साइमन को अपनी हाई स्कूल के एक बंद समलैंगिक छात्र के ऑनलाइन कबूल नामे के बारे में सूचित किया जिसे वह केवल छात्रा का नाम बलू से जाना जाता था साइमन छात्रा छद्धा का नाम जैक्स का उपयोग करके ईमेल के माध्यम से ब्लू के साथ संवाद करना शुरू हुआ और दोनों व्यक्तिगत वितरण साझा करते थे और एक संबंध बनाते थे उनके इम, उनके ईमेल गलती से एक अन्य छात्र मार्टिन द्वारा खोजे जाते थे जो एबी के से प्रभावित होते थे और अपने रहस्य को जानने के बाद मार्टिन ने साइमन के ईमेल को सार्वजनिक करने की धमकी दी जब वह जब तक कि वह मार्टिन को एबी पर जीत हासिल करने में मदद नहीं करता साइमन यह पता पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि उन उसका कौन सा सहपाटी वास्तव में नीला है एक हेलोवीन पार्टी में साइमन को संदेश होता संदेह होता है कि उसका सहपाटी ब्रेम ब्रेम ब्लू हो सकता है वह उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन बाद में ब्रेम एक महिला छात्र के साथ संबंध बनाता है और निक साइमन को बताता है कि वह उनके मन में एबी, एबी के लिए भावना है साइमन ने निक से झूठ बोला और उसे बताया कि एबी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड है लिया नशे में धूत साइमन के घर जाती है और जहां वह स्पष्ट रूप से बोलती है कि उसे कैसा लगता है कि, कि उसके भाग्य में एक व्यक्ति से बहुत अधिक प्यार करना लिखा है साइमन का मानना है कि वह निक की बात कर रही है साइमन एक विफल हाउस में एबी और मार्टिन से मिलता है और जब वह उन्हें आगामी स्कूल संगीत के लिए एक साथ अभ्यास करने के लिए मना लेता है तो साइमन अपने सर्वर लायंस नामक एक सहपाटी के साथ बंध गया और वह अब उसे संदेश संदेह है कि लायल लायल बलू हो सकता है उस रात साइमन एबी के पास आता है और जब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो उसे राहत मिलती है एक स्कूल फुटबॉल खेल में साइमन की मुलाकात लायल से होती है इससे पहले कि वह पूछने का साहस जुटा सके और क्या लायल बलू उसे पता चलता है कि लाइल वास्तव में एबी में रुचि रखती है और परेशान साइमन एबी से से प्रेमालाप करते समय परेशान करने वाली मार्टिना से कहा कहता है कि यह तो बड़े हो जाओ या घर जाओ मार्टिना ने राष्ट्रगान को बंधित किया और एबी ने एबी के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जब एबी स्वीकार करती है कि वह उन भावनाओं को साझा नहीं करती तो मार्टिन अपमानित होता है और वह उपहास का पत्र बना सकता है क्रिसमस की पूर्व मध्य पूर्व संध्या पर लोगों को अपने अपमान से विचलित करने के लिए मार्टिन ने स्कूल में की गपशप साइट पर अपने ईमेल पोस्ट करके साइमन को बाहर कर दिया साइमन की बहन नोरा साइमन को सा, संताप देने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे चुप करा देता है और अपने दोस्तों के संदेश को और और कोलो का जवाब दे नहीं देता साइमन क्रिसमस की सुबह अपने माता-पिता के पास जाता है और उन्हें आश्चर्य और स्वीकृति मिलती है छुट्टियों के दिन के बाद निक और एबी जो एक जोड़े हैं और साइमन उसके द्वारा कहे गए झूठ के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के ब्लैकमेल के कारण उन्हें अलग रखने रखने की कोशिश की गई थी लिया और ने साइमन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती थी निक्स निक्स से नहीं और इस बात से परेशान है वह पहले एबी के पास आया और उसके दोस्तों द्वारा उससे नाता तोड़ने के बाद साइमन को ब्लू से एक अंतिम ईमेल प्राप्त हुआ और जो इस बात से परेशान है कि ईमेल लीक हो गया ब्लू से कहता है कि वह उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए इसका ईमेल अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कैफेटेरिया में साइमन और एक खुले आम समलैंगिक छात्र ऐसा कथन का सहपाठी द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और एथन एथन और साइमन उन कठिनाइयों से बंधे हैं जिन जिनका उन्हें बाहर आने में सामना करना पड़ा उसकी माँ के पास पहुँचने और उसकी सांत्वना देने के बाद साइमन ने लिया को माफ़ी मांगी और उसे बताया कि वह ब्लू से प्यार करता है और साइमन ने सब साइट अपने दोस्तों को माफ़ी कर मांगते हुए ब्लू की तलाश करते हुए उसे स्कूल कार्नी वल में मिलने के लिए कहते हुए एक बयान पोस्ट किया और संग, स्कूल संगीत के बाद लिया और के एबी साइमन के साथ फ्लै करते हैं और उसके उनके साथ कार्नी कार्निवल में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कार्निवल में ब्लू की प्रतीक्षा करते हुए साइमन एक और सवारी खरीदता है सवारी शुरू होने से ठीक पहले ब्रेम साइमन के बगल में बैठता है और आखिरकार खुद को ब्लू के रूप में प्रकट करता है साइमन ने छात्रा के साथ जो चुम्बन देखा था वह उसे नशे में हुई गलतफहमी भी थी वह एक एक साथ शहरियत वहील की सवारी करते और उसे चुमन करते हैं जबकि उनके दोस्त उनका उत्साह बढ़ाते हैं साइमन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और उसका प्रेम के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है अपने दोस्तों और प्रेमी को स्कूल के लिए चुनते समय साइमन सुझाव देता है कि वे अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को छोड़ देंगे और बयान थोड़े साहसिक कार्य पर जाएंगे ढलान में साइमन स्पेयर के रूप में निक रोबिंसन ने किरदार निभाए है साइमन के पिता के रूप में स्पियर के रूप में जोस मेल नजर आए हैं स्पी स्पियर साइमन की मां के रूप में जेनिफर गार्नर नजर आए हैं लेह बर्क के रूप में कैथरीन लेगफोर्ड साइमन के सबसे अच्छे दोस्त नजर आए हैं निक आइजनर के रूप में जॉर्ज लेडेबोर्क जूनियर साइमन के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और इब्राहिम ब्रेड ब्रेम ग्रीनफील्ड के रूप में किनिन लोफडेन साइमन की प्रेमिका है केल प्राइस के रूप में माइल्स माइल्स है माइल्स हैजर साइमन के सहपाठियों के रूप में है मार्टिन एडिसन के रूप में लोगन मिलर साइमन के एक सहपाठी में से उसे ब्लैकमेल करता है और मिस्टर वर्थ के रूप में टोनी होल टोनी हेल जिस स्कूल में साइमन जाता है उसका अजीब वाइस प्रिंसिपल है नोरा स्पीयर साइमन की बहन के रूप में तलीथा बैटमैन सिक्स वर्सिया नोरा स्पीयर के रूप में स्काई मोबरे हैं एथन के रूप में क्लर्क क्लर्कमू साइमन के सहपाठियों में से एक है जो उसे खुले तौर पर समलिंग है और जो पोलरिस लाइस के रूप में स्थानीय भोजनालय में खिलवाड़ को आदि सर्वर है टेलर मेटनेचर मेट के रूप में मैकेज लिंटस साइमन के सहपाठियों में से एक है लव साइमन मूवी के फैक्टोर रिव्यूज लव साइमन एक दो हजार की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ग्रेक बेले बार्टेली द्वारा निर्देशित और ऑप्टेकर और एलिजाबेथ बर्जर द्वारा लिखित है और बेकी अल, अल्बर्टली और के साइमन बनाम द होमोसेपियस एजेंडा पर आधारित है फिल्म में निक रॉबिन्स जोस डोहा मेल और जेनिफर गार्डन है यह हाई स्कूल के एक गुप्त समे लड़के की साइमन स्पीयर्स पर केंद्रित है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार और उसे पूरे स्कूल से बाहर निकलने की धमकी देने वाले ब्लैकमेलर के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही उस गुमनाम सहपाठी की पहचान का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके साथ उसे ऑनलाइन प्यार हो जाता है निर्देशक ग्रेग बार्टली पटकथा की कहानी से हाक ऑप्टेकर और, और एलिजाबेथ बर्जर है आधारित है बेकी अल्बर्टली पर और उत्पादित किया मार्टी बोवेन ने विक गोड्रेन ने इस हाक ने पोया सहायक विज्या अभिनीति निक रोबिंसंस जोस दुहा और जेनिफर गार्नर है छाया जॉन सेरियन है संपादित है, हैरी जर्नियंस द्वारा संगीत रॉब सिमसन द्वारा उत्पादन कंपनी फोक्स टू थाउजेंड और टेम्पल्स हिल प्रोडक्शन टी एसनी मनोरंजन वितरित किया गया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2018 हज़ार अट्ठारह मार्डीग्राफ फिल्म फेस्टिवल में 16 मार्च 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 110 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 10 से 17 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस तो पर सिक्सटी थ्री सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर तक की कमाई की लव साइमन का प्रेमट छ सत्ताईस फरवरी 2018 को मार्डी ग्रास के एक फे फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहां इस फिल्म के बाद बीसवीं सेंचुरी द्वारा 2018 को 16 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था आलोचकों ने फिल्म की बड़े दिल विविध और प्रभावशाली कलाकारों और क्रांतिकारी सामान्य स्थिति के लिए प्रशंसा की और इसे कोमल मधुर और प्रभावशाली और बेहद आकर्षक भीड़ प्रशंसता के रूप में वर्णित किया गया जो मजाकिया गर्व जैसे गर्म जोशी से भरा और जीवन पुष्टि करने वाला एक समीक्षाओं ने इसकी तुलना जॉन होसेस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से की थी समलैंगिंग किशोर रोमांस पर केंद्रित एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है इसने दुनिया भर में छासठ मिलियन डॉलर की कमाई की और लव विक्टर्स नामक एक टेलीविजन श्रृंखला फिल्म का सम्मान ब्रह्मांड में स्थापित सत्रह जून दो हजार बीस को हुल पर प्रीमियर हुआ जिसमें रोमिंस पहले जीत से जिन सीजन के लिए श्रृंखला के कथानक के रूप में काम कर रहे थे कथानक में बताया गया है कि साइमन स्पियर अटलांटा जॉर्जिया के एक उपनगर में रहने वाला एक गुप्त समलैंगिक किशोर था उसका एक गरीबी और प्यारा परिवार था माता पिता एमली और एक जेक और एक बहन नोरा साथ ही तीन सबसे अच्छे दोस्त निक और जिन्हें वे अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से जानते हैं और नव, नवांगुतुक एबी समस्या ने साइमन को अपनी हाई स्कूल के एक बंद समलैंगिक छात्र के ऑनलाइन कबूलनामे के बारे में सूचित किया जिसे वह केवल छात्रा का के नाम बलू से जाना जाता था साइमन छात्रा छद्धा का नाम जैक्स का उपयोग के ईमेल के माध्यम से ब्लू के साथ संवाद करना शुरू हुआ और दोनों व्यक्तिगत वितरण साझा करते थे और एक संबंध बनाते थे उनके इम, उनके ईमेल गलती से एक अन्य छात्र मार्टिन द्वारा खोजे जाते थे जो एबी के से प्रभावित होते थे और अपने रहस्य को जानने के बाद मार्टिन ने साइमन के ईमेल को सार्वजनिक करने की धमकी दी जब वह जब तक कि वह मार्टिन को एबी पर जीत हासिल करने में मदद नहीं करता साइमन यह पता पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि उन उसका कौन सा सहपाटी वास्तव में नीला है एक हेलोवीन पार्टी में साइमन को संदेश हो संदेह होता है कि उसका सहपाठी ब्रेम ब्रेम ब्लू हो सकता है वह उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन बाद में ब्रेम एक महिला छात्र के साथ संबंध बनाता है और निक साइमन को बताता है कि वह उनके मन में एबी के लिए भावना है साइमन ने निक से झूठ बोला और उसे बताया कि एबी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड है लिया नशे में धुत साइमन के घर जाती है और जहां वह स्पष्ट रूप से बोलती है कि उसे कैसा लगता है कि, कि उसके भाग्य में एक व्यक्ति से बहुत अधिक प्यार करना लिखा है साइमन का मानना है कि वह निक की बात कर रही है साइमन एक विफल हाउस में एबी और मार्टिन से मिलता है और जब वह उन्हें आगामी स्कूल संगीत के लिए एक साथ अभ्यास करने के लिए मना लेता है तो साइमन अपने सर्वर नामक एक सहपाठी के साथ बंध गया और वह अब उसे संदेश संदेह है कि लायल लायल बलू हो सकता है उस रात साइमन एबी के पास आता है और जब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो उसे राहत मिलती है एक स्कूल फुटबॉल खेल में साइमन की मुलाकात लायल से होती है इससे पहले कि वह पूछने का साहस जुटा सके और क्या लायल ब्लू उसे पता चलता है कि लाइल वास्तव में एबी में रुचि रखती है और परेशान साइमन एबी से से प्रेमालाप करते समय परेशान करने वाली मार्टिना से कहा कहता है कि यह तो बड़े हो जाओ या घर जाओ मार्टिना ने राष्ट्रगान को बंधित किया और एबी ने एबी के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जब एबी स्वीकार करती है कि वह उन भावनाओं को साझा नहीं करती तो मार्टिन अपमानित होता है और वह उफ हास का पत्र बना सकता है क्रिसमस की पूर्व मध्य पूर्व संध्या पर लोगों को अपने अपमान से विचलित करने के लिए मार्टिन ने स्कूल में की गपशप साइट पर अपने ईमेल पोस्ट करके साइमन को बाहर कर दिया साइमन की बहन नौरा साइमन को सा, संतापना देने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे चुप करा देता है और अपने दोस्तों के संदेश को और और कोलो का जवाब दे नहीं देता साइमन क्रिसमस की सुबह अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें आश्चर्य और स्वीकृति मिलती है छुट्टियों के दिन के बाद निक और एबी जो एक जोड़े हैं और साइमन उसके द्वारा कहे गए झूठ के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के ब्लैकमेल के कारण उन्हें अलग रखने, रखने की कोशिश की गई थी लिया और ने साइमन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती थी निक्स निक्स से नहीं और इस बात से परेशान है वह पहले एबी के पास आया और उसके दोस्तों द्वारा उससे नाता तोड़ने के बाद साइमन को ब्लू से एक अंतिम ईमेल प्राप्त हुआ और जो इस बात से परेशान है कि ईमेल लीक हो गया ब्लू साइमन से कहता है कि वह उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए इसका ईमेल अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कैफेटेरिया में साइमन और एक खुले आम समलैंगिक छात्र ऐसा कथन का सहपाठी द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और एथन एथन और साइमन उन कठिनाइयों से बंधे हैं जिन जिनका उन्हें बाहर आने में सामना करना पड़ा उसकी मां के पास पहुंचने और उसकी सांत्वना देने के बाद साइमन ने लिया को माफी मांगी और उसे बताया कि वह ब्लू से प्यार करता है और साइमन ने सब साइट अपने दोस्तों को माफी कर मांगते हुए ब्लू की तलाश करते हुए उसे स्कूल कार्नी वल में मिलने के लिए कहते हुए एक बयान पोस्ट किया और संग, स्कूल संगीत के बाद लिया और के एबी साइमन के साथ फ्लै करते हैं और उसके उनके साथ कार्नी कार्निवल में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कार्निवल में ब्लू की प्रतीक्षा करते हुए एक और सवारी खरीदता है सवारी शुरू होने से ठीक पहले ब्रेम साइमन के बगल में बैठता है और आखिरकार खुद को ब्लू के रूप में प्रकट करता है साइमन ने छात्रा के साथ जो चुम्बन देखा था वह उसे नशे में हुई गलत फहमी भी थी वह एक एक साथ वहील की सवारी करते और उसे चुमन करते हैं जबकि उनके दोस्त उनका उत्साह बढ़ाते हैं साइमन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और उसका प्रेम के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है अपने दोस्तों और प्रेमी को स्कूल के लिए चुनते समय साइमन सुझाव देता है कि वे अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को छोड़ देंगे और बयान थोड़े साहसिक कार्य पर जाएंगे ढलान में साइमन स्पेयर के रूप में निक रोबिनसन ने किरदार निभाया है साइमन के पिता के रूप में स्पियर के रूप में जोस मेल नजर आए हैं एमिल स्पियर साइमन की मां के रूप में जेनिफर गार्नर नजर आए हैं लेह बर्क के रूप में कैथरीन लेगफोर्ड साइमन के सबसे अच्छे दोस्त नजर आए हैं निक आइजनर के रूप में जॉर्ज लेडेबोर्क जूनियर साइमन के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और इब्राहिम ब्रेड ब्रेम ग्रीनफील्ड के रूप में किनिन लोसडेन साइमन की प्रेमिका है केल प्राइस के रूप में माइल्स माइल्स है माइल्स हैजर्क साइमन के सहपाठियों के रूप में है मार्टिन एडिसन के रूप में लोगन मिलर साइमन के एक सहपाठी में से उसे ब्लैकमेल करता है और मिस्टर वर्थ के रूप में टोनी होल टोनी हेल जिस स्कूल में साइमन जाता है उसका अजीब वाइस प्रिंसिपल है नोरा स्पीयर साइमन की बहन के रूप में तलीथा बैटमैन सिक्स वर्सिया नोरा स्पियर के रूप में स्काई मोबरे हैं एथन के रूप में क्लर्क क्लर्कमू साइमन के सहपाठियों में से एक है जो उसे खुले तौर पर संलिंग है और जो पोलिस लाइस के रूप में स्थानीय भोजनालय में खिलवाड़ को आदि सर्वर है टेलर मेटनेचर मेट के रूप में मैकेज लिंटर साइमन के एक सहपाठियों में से एक है लव साइमन मूवी के फैक्टोर रिव्यूज लव साइमन एक दो की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ग्रेक बेले बार्टेली द्वारा निर्देशित और इसहाक और एलिजाबेथ बर्जर द्वारा लिखित है और बेकी अल और केवन्यास साइमन बनाम द होमोसेपियस एजेंडा पर आधारित है फिल्म में निक रॉबिन्स, जोस डोहामेल और जेनिफर गार्डन है यह हाई स्कूल के एक गुप्त समलिंग लड़के की साइमन स्पियर्स पर केंद्रित है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार और उसे पूरे स्कूल से बाहर निकलने की धमकी देने वाले ब्लैकमेलर के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही उस गुमनाम सहपाठी की पहचान का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके साथ उसे ऑनलाइन प्यार हो जाता है निर्देशक ग्रेग बार्टली पटकथा की कहानी से इसहाक ऑपटेकर और, और एलिजाबेथ बर्जर है आधारित है बेकी अल्बर्टली पर और उत्पादित किया मार्टी बोवेन ने विक गोडफ्रे ने इस हाक ने पोया सहायक बिजिया ने अभिनीति निक रोबिन्संस और जेनिफर गार्नर है छायांकर जॉन सेरियन है संपादित है, हैरी जर्नियंस द्वारा संगीत रॉब सिम्सन द्वारा उत्पादन कंपनी फोक्स टू थाउजेंड और टेम्पल्स हिल प्रोडक्शन टीएसनी मनोरंजन वितरित किया गया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2018 हज़ार अट्ठारह मार्डीग्राफ फिल्म फेस्टिवल में 16 मार्च 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 110 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 10 से 17 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस तो पर सिक्सटी मिलियन डॉलर तक की कमाई की लव साइमन का प्रेमट छ फरवरी 2018 को अट्ठारह को मार्डीग्रास के एक फे फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहां इस फिल्म के बाद बीसवीं सेंचुरी द्वारा 2018 को 16 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों ने फिल्म की बड़े दिल विविध और प्रभावशाली कलाकारों और क्रांतिकारी सामान्य स्थिति के लिए प्रशंसा की और इसे कोमल मधुर और प्रभावशाली और बेहद आकर्षक भीड़ प्रशंसा के रूप में वर्णित किया गया जो मजाकिया गर्भ जैसे गर्म जोशी से भरा और जीवन पुष्टि करने वाला एक समीक्षाओं ने इसकी तुलना जॉन हुसेस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से की थी समलैंगिक किशोर रोमांस पर केंद्रित एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है इसने दुनिया भर में 66 मिलियन डॉलर की कमाई की और लव विक्टर्स नामक एक टेलीविजन श्रृंखला फिल्म का सम्मान ब्रह्मांड में स्थापित सत्रह जून २०२० को हुल पर प्रीमियर हुआ जिसमें रोमिंस पहले जीत से जिन सीजन के लिए श्रृंखला के कथानक के रूप में काम कर रहे थे कथानक में बताया गया है कि साइमन स्पियर अटलांटा जॉर्जिया के एक उपनगर में रहने वाला एक गुप्त समलैंगिक किशोर था उसका एक गरीबी और प्यारा परिवार था माता पिता एमली और एक जेक और एक बहन नोरा साथ ही तीन सबसे अच्छे दोस्त निक और जिन्हें वे अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से जानते हैं और नव, एबी ने साइमन को अपनी हाई स्कूल के एक बंद समलैंगिक छात्र के ऑनलाइन कबूलनामे के बारे में सूचित किया जिसे वह केवल छात्रा का नाम बलू से जाना जाता था साइमन छात्रा छद्धा का नाम जैक्स का उपयोग के ईमेल के माध्यम से ब्लू के साथ संवाद करना शुरू हुआ और दोनों व्यक्तिगत वितरण साझा करते थे और एक संबंध बनाते थे उनके इम, उनके ईमेल गलती से एक अन्य छात्र मार्टिन द्वारा खोजे जाते थे जो एबी के से प्रभावित होते थे और अपने रहस्य को जानने के बाद मार्टिन ने साइमन के ईमेल को सार्वजनिक करने की धमकी दी जब वह जब तक कि वह मार्टिन को एबी पर जीत हासिल करने में मदद नहीं करता साइमन यह पता पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि उन उसका कौन सा सहपाटी वास्तव में नीला है एक हेलोवीन पार्टी में साइमन को संदेश संदेह होता है कि उसका सहपाटी ब्रेम ब्रेम ब्लू हो सकता है वह उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन बाद में ब्रेम एक महिला छात्र के साथ संबंध बनाता है और निक साइमन को बताता है कि वह उनके मन में एबी, एबी के लिए भावना है साइमन ने निक से झूठ बोला और उसे बताया कि एबी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड है लिया नशे में धूत साइमन के घर जाती है और जहां वह स्पष्ट रूप से बोलती है कि उसे कैसा लगता है कि, कि उसके भाग्य में एक व्यक्ति से बहुत अधिक प्यार करना लिखा है साइमन का मानना है कि वह निक की बात कर रही है साइमन एक विफल हाउस में एबी और मार्टिन से मिलता है और जब वह उन्हें आगामी स्कूल संगीत के लिए एक साथ अभ्यास करने के लिए मना लेता है तो साइमन अपने सर्वर लायंस नामक एक सहपाठी के साथ बंध गया और वह अब उसे संदेश संदेह है कि लायल लायल बलू हो सकता है उस रात साइमन एबी के पास आता है और जब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो उसे राहत मिलती है एक स्कूल फुटबॉल खेल में साइमन की मुलाकात लायल से होती है इससे पहले कि वह पूछने का साहस जुटा सके और क्या लायल ब्लू उसे पता चलता है कि लाइल वास्तव में एबी में रुचि रखती है और परेशान साइमन एबी से से प्रेमालाप करते समय परेशान करने वाली मार्टिना से कहा कहता है कि यह तो बड़े हो जाओ या घर जाओ मार्टिना ने राष्ट्रगान को बंधित किया और एबी ने एबी के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जब एबी स्वीकार करती है कि वह उन भावनाओं को साझा नहीं करती तो मार्टिन अपमानित होता है और वह उपहास का पत्र बना सकता है क्रिसमस की पूर्व मध्य पूर्व संध्या पर लोगों को अपने अपमान से विचलित करने के लिए मार्टिन ने स्कूल में की गपशप साइट पर अपने ईमेल पोस्ट करके साइमन को बाहर कर दिया साइमन की बहन नौरा कोशिश करती है लेकिन वह उसे चुप करा देता है और अपने दोस्तों के संदेश को और और कोलो का जवाब दे नहीं देता साइमन क्रिसमस की सुबह अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें आश्चर्य और स्वीकृति मिलती है छुट्टियों के दिन के बाद निक और एबी जो एक जोड़े हैं और साइमन उसके द्वारा कहे गए झूठ के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के ब्लैकमेल के कारण उन्हें अलग रखने, रखने की कोशिश की गई थी लिया और ने साइमन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती थी निक्स निक्स से नहीं और इस बात से परेशान है वह पहले एबी के पास आया और उसके दोस्तों द्वारा उससे नाता तोड़ने के बाद साइमन को ब्लू से एक अंतिम ईमेल प्राप्त हुआ और जो इस बात से परेशान है कि ईमेल लीक हो गया ब्लू साइमन से कहता है कि वह उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए इसका ईमेल अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कैफेटेरिया में साइमन और एक खुले आम समलैंगिक छात्र ऐसा कथन का सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और एथन एथन और साइमन उन कठिनाइयों से बंधे हैं जिन जिनका उन्हें बाहर आने में सामना करना पड़ा उसकी माँ के पास पहुँचने और उसकी सांत्वना देने के बाद साइमन ने लिया को माफी मांगी और उसे बताया कि वह ब्लू से प्यार करता है और साइमन ने गप साइट अपने दोस्तों को माफी कर मांगते हुए ब्लू की तलाश करते हुए उसे स्कूल कारनी वल में मिलने के लिए कहते हुए एक बयान पोस्ट किया और संग, स्कूल संगीत के बाद लिया और के एबी साइमन के साथ फ्लै करते हैं और उसके उनके साथ कारणी कार्निवल में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कार्निवल में ब्लू की प्रतीक्षा करते हुए साइमन साइमन के ने साथियों को को एक बड़ी भीड़ आकर्षित करते हुए फेरिस व्हील की 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 सवारी की। जब वह टिकट टिकट खत्म खत्म हो जाते हैं तो मार्टिन अपने लिए एक और सवारी खरीदता है सवारी शुरू होने से ठीक पहले ब्रेम साइमन के बगल में बैठता है और आखिरकार खुद को ब्लू के रूप में प्रकट करता है साइमन ने छात्रा के साथ जो चुम्बन देखा था वह उसे नशे में हुई गर्ल्थ फहमी भी थी वह एक एक साथ शहरियत वहील की सवारी करते और उसे चुमन करते हैं जबकि उनके दोस्त उनका उत्साह बढ़ाते हैं साइमन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और उसका प्रेम के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है अपने दोस्तों और प्रेमी को स्कूल के लिए चुनते समय साइमन सुझाव देता है कि वे अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को छोड़ देंगे और बयान थोड़े साहित्य साहसिक कार्य पर जाएंगे ढलान में साइमन स्पेयर के रूप में निक रोबिंसन ने किरदार निभाया है साइमन के पिता के रूप में स्पियर के रूप में जोस मेल नजर आए हैं एमिल स्पियर साइमन की मां के रूप में जेनिफर गार्नर नजर आए हैं लेह बर्क के रूप में कैथरीन लेगफोर्ड साइमन के सबसे अच्छे दोस्त नजर आए हैं निक आइजनर के रूप में जॉर्ज लेडेबोर्क जूनियर साइमन के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और इब्राहिम ब्रेड ब्रेम ग्रीनफील्ड के रूप में किनिन लोसडेन साइमन की प्रेमिका है कैल प्राइस के रूप में माइल्स माइल्स है माइल्स हैचर साइमन के सहपाठियों के रूप में है मार्टिन एडिसन के रूप में लोगन मिलर साइमन के एक सहपाठी में से उसे ब्लैकमेल करता है और मिस्टर वर्थ के रूप में टोनी हो टोनी हेल जिस स्कूल में साइमन जाता है उसका अजीब वाइस प्रिंसिपल है नोरा स्पीयर साइमन की बहन के रूप में तलीथा बैटमैन सिक्स वर्सिया नोरा स्पीयर के रूप में स्काई मोब्रे हैं एथन के रूप में क्लर्कमू साइमन के सहपाठियों में से एक है जो उसे खुले तौर पर समलिंग है और जो पोल्रीस लाइफ के रूप में एक स्थानीय भोजनालय में खिलवाड़ को आदि सर्वर है टेलर मेटनेचर मेट के रूप में मैकेज लिंटर साइमन के सहपाठियों में से एक है लव साइमन मूवी के फैक्टोर रिव्यूज लव साइमन एक दो हजार की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ग्रेक बेले बार्टेली द्वारा निर्देशित और ऑप्टेकर और एलिजाबेथ बर्जर द्वारा लिखित है और बेकी अल, अल्बर्टली और केवन्यास साइमन बनाम द होमोसेपियस एजेंडा पर आधारित है फिल्म में निक रॉबिन्स जोस डोहा मेल और जेनिफर गार्डन है यह हाई स्कूल के एक गुप्त समलिंग लड़के की साइमन स्पीयर्स पर केंद्रित है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार और उसे पूरे स्कूल से बाहर निकलने की धमकी देने वाले ब्लैकमेलर के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही उस गुमनाम सहपाठी की पहचान का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके साथ उसे ऑनलाइन प्यार हो जाता है निर्देशक ग्रेग बर्टली पटकथा की कहानी से हाक ऑप्टेकर और, और एलिजाबेथ बर्जर है आधारित है बेकी अल्बर्टली पर और उत्पादित किया मार्टी बोवेन ने विक गोडफ्रेन ने इस हाक ने पोया सहायक बिजिया ने अभिनीति निक जोस दुहामेल और जेनिफर गार्नर है छायांकर जॉन सेरियन है संपादित है, हैरी जर्नियन द्वारा संगीत रॉब सिम्पसन द्वारा उत्पादन कंपनी फोक्स टू थाउजेंड और टेम्पल्स हिल प्रोडक्शन टीएसनी मनोरंजन वितरित किया गया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2018 हज़ार अठारह मार्डीग्राफ फिल्म फेस्टिवल में 16 मार्च 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 110 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 10 से 17 मिलियन डॉलर का था और इसने बुक्स ऑफिस तो पर सिक्सटी थ्री सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर तक की कमाई की लव साइमन का प्रेमट छ सत्ताईस फरवरी 2018 को मार्डी ग्रास के एक फे फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहां इस फिल्म के बाद बीसवीं सेंचुरी द्वारा 2018 को 16 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों ने फिल्म की बड़े दिल विविध और प्रभावशाली कलाकारों और क्रांतिकारी सामान्य स्थिति के लिए प्रशंसा की और इसे कोमल मधुर और प्रभावशाली और बेहद आकर्षक भीड़ प्रशंसता के रूप में वर्णित किया गया जो मजाकिया गर्भ जैसे गर्म जोशी से भरा और जीवन पुष्टि करने वाला एक समीक्षाओं ने इसकी तुलना जॉन हुसेस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से की थी समलैंगिक किशोर रोमांस पर केंद्रित एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है इसने दुनिया भर में छासठ मिलियन डॉलर की कमाई की और लव विक्टर्स नामक एक टेलीविजन श्रृंखला फिल्म का सम्मान ब्रह्मांड में स्थापित सत्रह जून २०२० को हुल पर प्रीमियर हुआ जिसमें रोमिंस पहले जीत सीजन के लिए श्रृंखला के कथानक के रूप में काम कर रहे थे कथानक में बताया गया है कि साइमन स्पियर अटलांटा जॉर्जिया के एक उपनगर में रहने वाला एक गुप्त समलैंगिक किशोर था उसका एक गरीबी और प्यारा परिवार था माता पिता एमली और एक जेक और एक बहन नोरा साथ ही तीन सबसे अच्छे दोस्त निक और जिन्हें वे अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से जानते हैं और नव, एबी लियो ने साइमन को अपनी हाई स्कूल के एक बंद समलैंगिक छात्र के ऑनलाइन कबूलनामे के बारे में सूचित किया जिसे वह केवल छात्रा का नाम बलू से जाना जाता था साइमन छात्रा छद्धा का नाम जैक्स का उपयोग के ईमेल के माध्यम से ब्लू के साथ संवाद करना शुरू हुआ और दोनों व्यक्तिगत वितरण साझा करते थे और एक संबंध बनाते थे उनके ईमेल इम, गलती से एक अन्य छात्र मार्टिन द्वारा खोजे जाते थे जो एबी के से प्रभावित होते थे और अपने रहस्य को जानने के बाद मार्टिन ने साइमन के ईमेल को सार्वजनिक करने की धमकी दी जब वह जब तक कि वह मार्टिन को एबी पर जीत हासिल करने में मदद नहीं करता साइमन यह पता पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि उन उसका कौन सा वास्तव में नीला है एक हेलोवीन पार्टी में साइमन को संदेश होता संदेह होता है कि उसका सहपाटी ब्रेम ब्रेम ब्लू हो सकता है वह उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन बाद में ब्रेम एक महिला छात्र के साथ संबंध बनाता है और निक साइमन को बताता है कि वह उनके मन में एब, एबी के लिए भावना है साइमन ने निक से झूठ बोला और उसे बताया कि एबी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड है लिया नशे में धुत साइमन के घर जाती है और जहां वह स्पष्ट रूप से बोलती है कि उसे कैसा लगता है कि, कि उसके भाग्य में एक व्यक्ति से बहुत अधिक प्यार करना लिखा है साइमन का मानना है कि वह निक की बात कर रही है साइमन एक विफल हाउस में एबी और मार्टिन से मिलता है और जब वह उन्हें आगामी स्कूल संगीत के लिए एक साथ अभ्यास करने के लिए मना लेता है तो साइमन अपने सर्वर लायंस नामक एक सहपाटी के साथ बंद गया और वह अब उसे संदेश संदेह है कि लायल लायल बलू हो सकता है उस रात साइमन एबी के पास आता है और जब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो उसे राहत मिलती है एक स्कूल फुटबॉल खेल में साइमन की मुलाकात लायल से होती है इससे पहले कि वह पूछने का साहस जुटा सके और क्या लायल ब्लू उसे पता चलता है कि लाइल वास्तव में एबी में रुचि रखती है और परेशान साइमन एबी से से प्रेमालाप करते समय परेशान करने वाली मार्टिना से कहा कहता है कि यह तो बड़े हो जाओ या घर जाओ मार्टिना ने राष्ट्रगान को बंधित किया और एबी ने एबी के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जब एबी स्वीकार करती है कि वह उन भावनाओं को साझा नहीं करती तो मार्टिन अपमानित होता है और वह हास का पत्र बना सकता है क्रिसमस की पूर्व मध्य पूर्व संध्या पर लोगों को अपने अपमान से विचलित करने के लिए मार्टिन ने स्कूल में की गपशप साइट पर अपने ईमेल पोस्ट करके साइमन को बाहर कर दिया साइमन की बहन नौरा सापना सा, देने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे चुप करा देता है और अपने दोस्तों के संदेश को और और कोलो का जवाब दे नहीं देता साइमन क्रिसमस की सुबह अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें आश्चर्य और स्वीकृति मिलती है छुट्टियों के दिन के बाद निक और एबी जो एक जोड़े हैं और साइमन उसके द्वारा कहे गए झूठ के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के ब्लैकमेल के कारण उन्हें अलग रखने, रखने की कोशिश की गई थी लिया और ने साइमन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती थी निक्स निक्स से नहीं और इस बात से परेशान है वह पहले एबी के पास आया और उसके दोस्तों द्वारा उससे नाता तोड़ने के बाद साइमन को ब्लू से एक अंतिम ईमेल प्राप्त हुआ और जो इस बात से परेशान है कि ईमेल लीक हो गया ब्लू साइमन से कहता है कि वह उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए इसका ईमेल अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कैफेटेरिया में साइमन और एक खुले आम समलैंगिक छात्र ऐसा कथन का सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और एथन एथन और साइमन उन कठिनाइयों से बंधे हैं जिन जिनका उन्हें बाहर आने में सामना करना पड़ा उसकी माँ के पास पहुंचने और उसकी देने के बाद साइमन ने लिया को माफी मांगी और उसे बताया कि वह ब्लू से प्यार करता है और साइमन ने साइट अपने दोस्तों को माफी कर मांगते हुए ब्लू की तलाश करते हुए उसे स्कूल कारनी वल में मिलने के लिए कहते हुए एक बयान पोस्ट किया और संग, स्कूल संगीत के बाद लिया और के एबी साइमन के साथ फुल करते हैं और उसके उनके साथ कारणी कार्निवल में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कार्निवल में ब्लू की प्रतीक्षा करते हुए साइमन के ने साथियों को एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हुए फेरिस व्हील की सवारी की जब वह साइमन की टिकट खत्म टिकट खत्म हो जाते हैं तो मार्टिन अपने लिए एक और सवारी खरीदता है सवारी शुरू होने से ठीक पहले ब्रैम साइमन के बगल में बैठता है और आखिरकार खुद को ब्लू के रूप में प्रकट करता है साइमन ने छात्रा के साथ जो चुम्बन देखा था वह उसे नशे में हुई गलतफहमी भी थी वह एक एक साथ शहरी वहील की सवारी करते और उसे चुम्बन करते हैं जबकि उनके दोस्त उनका उत्साह बढ़ाते हैं साइमन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और उसका प्रेम के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है अपने दोस्तों और प्रेमी को स्कूल के लिए चुनते समय साइमन सुझाव देता है कि वे अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को छोड़ देंगे और बयान थोड़े साहित्य साहसिक कार्य पर जाएंगे ढलान में साइमन स्पियर के रूप में निक रोबिन्सन ने किरदार निभाया है साइमन के पिता के रूप में स्पेयर के रूप में जोस हुडा मेल नजर आए हैं एमिल स्पियर पी, साइमन की मां के रूप में जेनिफर गार्नर नजर आए हैं लेह बर्ग के रूप में कैथरीन लेगफोर्ड साइमन के सबसे अच्छे दोस्त नजर आए हैं निक आइजनर के रूप में जॉर्ज लेडे जूनियर साइमन के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और इब्राहिम ब्रेड ग्रीनफील्ड के रूप में लोफडेन साइमन की प्रेमिका है कैल प्राइस के रूप में माइल्स माइल्स है हैजर साइमन के सहपाठियों के रूप में है मार्टिन एडिसन के रूप में लोगन मिलर साइमन के एक सहपाठी में से उसे ब्लैकमेल करता है और मिस्टर वर्थ के रूप में टोनी, हो, टोनी हेल जिस स्कूल में साइमन जाता है उसका अजीब वाइस प्रिंसिपल है नोरा स्पियर साइमन की बहन के रूप में तलीथा बैडमैन सिक्स वर्षिया नोरा स्पीयर के रूप में स्काई मोबरे है एथन के रूप में क्लर्कमू साइमन के सहपाठियों में से एक है जो उसे खुले तौर पर समलिंग है और जो पोलरी लाइस के रूप में स्थानीय भोजनालय में खिलवाड़ खे, को आदि सर्वर है टेलर मेटनेचर मेट के रूप में, में के लिंटर साइमन के एक सेपार्टियों में से एक है लव साइमन मूवी के फैक्टोर रिव्यूज लव साइमन एक 2018 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ग्रेक बैले बार्टेली द्वारा निर्देशित और, और एलिजाबेथ बर्जर द्वारा लिखित है और बेकी अल अल्बरली और केवन्यास साइमन बनाम द होमोसैपियर्स एजेंडा पर आधारित है फिल्म में निक रॉबिन्स जोस डोहामेल और जेनिफर गार्डन है यह हाई स्कूल के एक गुप्त के लड़के की साइमन स्पियर्स पर केंद्रित है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार और उसे पूरे स्कूल से बाहर निकलने की धमकी देने वाले ब्लैकमेलर के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही उस गुमनाम सहपाठी की पहचान का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके साथ उसे ऑनलाइन प्यार हो जाता है निर्देशक ग्रेग बार्टली पटकथा की कहानी साहक ऑपटेकर और, और एलिजाबेथ बर्जर है आधारित है बेकी अल्बर्टली पर और उत्पादित किया मार्टी बोवेन ने विक गॉडफ्रें इसहालोन्सनर ने पोया सहायिजान अभिनीति निक रोबिनसंस जोस दुहामेल और जेनिफर गार्नर है छायांकर जॉन सेरियन है संपादित है, हैरी जर्नियन द्वारा संगीत रॉब सिम्पसन द्वारा उत्पादन कंपनी फोक्स टू थाउजेंड और टेम्पल्स हिल प्रोडक्शन एजनी मनोरंजन वितरित किया गया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2018 हज़ार अठारह मार्डीग्राफ फेस्टिवल में 16 मार्च 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 110 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 10 से 17 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस तो पर सिक्सटी थ्री सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर तक की कमाई की लव साइमन का प्रेमर छ सत्ताईस फरवरी 2018 को मार्डी ग्रास के एक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहां इस फिल्म के बाद बीसवीं सेंचुरी द्वारा 2018 को 16 मार्च को संयुक्त सेथर, राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था आलोचकों ने फिल्म की बड़े दिल विविध और प्रभावशाली कलाकारों और क्रांतिकारी सामान्य स्थिति के लिए प्रशंसा की और इसे कोमल मधुर और प्रभावशाली और बेहद आकर्षक भीड़ प्रशंसा के रूप में वर्णित किया गया जो मजाकिया गर्भ जैसे गर्म जोशी से भरा और जीवन पुष्टि करने वाला एक समीक्षाओं ने इसकी तुलना जॉन हुसेस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से की थी समलैंगिंग किशोर रोमांस पर केंद्रित एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है इसने दुनिया भर में छासठ मिलियन डॉलर की कमाई की और लव विक्टर्स नामक एक टेलीविजन श्रृंखला फिल्म का सम्मान ब्रह्मांड में स्थापित सत्रह जून २०२० को हुल पर प्रीमियर हुआ जिसमें रोमिंस पहले जीत से जिन सीजन के लिए श्रृंखला के कथानक के रूप में काम कर रहे थे कथानक में बताया गया है कि साइमन स्पियर अटलांटा जॉर्जिया के एक उपनगर में रहने वाला एक गुप्त समलैंगिक किशोर था उसका एक गरीबी और प्यारा परिवार था माता पिता एमली और एक जेक और एक बहन नोरा साथ ही तीन सबसे अच्छे दोस्त निक और जिन्हें वे अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से जानते हैं और नव, एबी ने साइमन को अपनी हाईस्कूल के एक बंद समलैंगिक छात्र के ऑनलाइन कबूलनामे के बारे में सूचित किया जिसे वह केवल छात्रा का नाम बलू से जाना जाता था साइमन छात्रा छद्धा का नाम जैक्स का उपयोग के ईमेल के माध्यम से ब्लू के साथ संवाद करना शुरू हुआ और दोनों व्यक्तिगत वितरण साझा करते थे और एक संबंध बनाते थे उनके इम, उनके ईमेल गलती से एक अन्य छात्र मार्टिन द्वारा खोजे जाते थे जो ऐबी के से प्रभावित होते थे और अपने रहस्य को जानने के बाद मार्टिन ने साइमन के ईमेल को सार्वजनिक करने की धमकी दी जब वह जब तक कि वह मार्टिन को एबी पर जीत हासिल करने में मदद नहीं करता साइमन यह पता पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि उन उसका कौन सा सहपाटी वास्तव में नीला है एक हेलोवीन पार्टी में साइमन को संदेश होता संदेह होता है कि उसका सहपाटी ब्रेम ब्रेम ब्लू हो सकता है वह उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन बाद में ब्रेम एक महिला छात्र के साथ संबंध बनाता है और निक साइमन को बताता है कि वह उनके मन में एबी, एबी के लिए भावना हैं साइमन ने निक से झूठ बोला और उसे बताया कि एबी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड है लिया नशे में धूत साइमन के घर जाती है और जहां वह स्पष्ट रूप से बोलती है कि उसे कैसा लगता है कि, कि उसके भाग्य में एक व्यक्ति से बहुत अधिक प्यार करना लिखा है साइमन का मानना है कि वह निक की बात कर रही है साइमन एक विफल हाउस में एबी और मार्टिन से मिलता है और जब वह उन्हें आगामी स्कूल संगीत के लिए एक साथ अभ्यास करने के लिए मना लेता है तो साइमन अपने सर्वर लायंस नामक एक सहपाठी के साथ बंद गया और वह अब उसे संदेश संदेह है कि लायल लायल बलू हो सकता है उस रात साइमन एबी के पास आता है और जब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो उसे राहत मिलती है एक स्कूल फुटबॉल खेल में साइमन की मुलाकात लायल से होती है इससे पहले कि वह पूछने का साहस जुटा सके और क्या लायल बलू उसे पता चलता है कि लायल लाइल वास्तव में एबी में रुचि रखती है और परेशान साइमन एबी से से प्रेमालाप करते समय परेशान करने वाली मार्टिना से कहा कहता है कि यह तो बड़े हो जाओ या घर जाओ मार्टिना ने राष्ट्रगान को बंधित किया और एबी ने एबी के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जब एबी स्वीकार करती है कि वह उन भावनाओं को साझा नहीं करती तो मार्टिन अपमानित होता है और वह हास का पत्र बना सकता है क्रिसमस की पूर्व मध्य पूर्व संध्या पर लोगों को अपने अपमान से विचलित करने के लिए मार्टिन ने स्कूल में की गपशप साइट पर अपने ईमेल पोस्ट करके साइमन को बाहर कर दिया साइमन की बहन नौरा साइमन को सा, संतापना देने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे चुप करा देता है और अपने दोस्तों के संदेश को और और कोलो का जवाब दे नहीं देता साइमन क्रिसमस की सुबह अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें आश्चर्य और स्वीकृति मिलती है छुट्टियों के दिन के बाद निक और एबी जो एक जोड़े हैं और साइमन उसके द्वारा कहे गए झूठ के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के ब्लैकमेल के कारण उन्हें अलग रखने की कोशिश की गई थी लिया और ने साइमन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती थी निक्स निक से नहीं और इस बात से परेशान है वह पहले एबी के पास आया और उसके दोस्तों द्वारा उससे नाता तोड़ने के बाद साइमन को ब्लू से एक अंतिम ईमेल प्राप्त हुआ और जो इस बात से परेशान है कि ईमेल लीक हो गया ब्लू साइमन से कहता है कि वह उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए इसका ईमेल अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कैफेटेरिया में साइमन और एक खुले आम समलैंगिक छात्र ऐसा कथन का सहपाटी द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और एथन एथन और साइमन उन कठिनाइयों से बंधे हैं जिन जिनका उन्हें बाहर आने में सामना करना पड़ा उसकी माँ के पास पहुँचने और उसकी सं सांत्वना देने के बाद साइमन ने लिया को माफ़ी मांगी और उसे बताया कि वह ब्लू से प्यार करता है और साइमन ने गप सब साइट अपने दोस्तों को माफ़ी कर मांगते हुए ब्लू की तलाश करते हुए उसे स्कूल कार्निवल में मिलने के लिए कहते हुए एक बयान पोस्ट किया और स्कूल संग, संगीत के बाद लिया और निके एबी साइमन के साथ फ्लै करते हैं और उसके उनके साथ कार्नी कार्निवल में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कार्निवल में ब्लू की प्रतीक्षा करते हुए एक और सवारी खरीदता है सवारी शुरू होने से ठीक पहले ब्रेम साइमन के बगल में बैठता है और आखिरकार खुद को ब्लू के रूप में प्रकट करता है साइमन ने छात्रा के साथ जो चुम्बन देखा था वह उसे नशे में हुई गलतफहमी भी थी वह एक एक साथ शहरियत वहील की सवारी करते और उसे चुमन करते हैं जबकि उनके दोस्त उनका उत्साह बढ़ाते हैं साइमन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और उसका ब्रेम के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है अपने दोस्तों और प्रेमी को स्कूल के लिए चुनते समय साइमन सुझाव देता है कि वे अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को छोड़ देंगे और बयान थोड़े साहसिक कार्य पर जाएंगे ढलान में साइमन स्पेयर के रूप में निक रोबिंसन ने किरदार निभाया है साइमन के पिता के रूप में स्पियर के रूप में जोस हुडा मेल नजर आए हैं स्पी स्पियर साइमन की मां के रूप में जेनिफर गार्नर नजर आए हैं लेह बर्क के रूप में कैथरीन लेगफोर्ड साइमन के सबसे अच्छे दोस्त नजर आए हैं निक आइजनर के रूप में जॉर्ज लेडेबोर्क जूनियर साइमन के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और इब्राहिम ब्रेड ब्रेम ग्रीनफील्ड के रूप में किनिन लोसडेन साइमन की प्रेमिका है कैल प्राइस के रूप में माइल्स माइल्स है माइल्स हैजर्क साइमन के सहपाठियों के रूप में है मार्टिन एडिसन के रूप में लोगन मिलर साइमन के एक सहपाठी में से उसे ब्लैकमेल करता है और मिस्टर वर्थ के रूप में टोनी होल टोनी हेल जिस स्कूल में साइमन जाता है उसका अजीब वाइस प्रिंसिपल है नोरा स्पीयर साइमन की बहन के रूप में तलीथा बैटमैन सिक्स वर्षिया नोरा स्पीयर के रूप में स्काई मोबरे हैं एथन के रूप में क्लर्क क्लर्कमू साइमन के सहपाठियों में से एक है जो उसे खुले तौर पर समलिंग है और जो पोल्री लाइस के रूप में स्थानीय भोजनालय में खिलवाड़ को आदि सर्वर है टेलर मेटनेचर मेट के रूप में मैकेज लिंटस साइमन के सहपाठियों में से एक है लव साइमन मूवी के फैक्टो रिव्यूज लव साइमन एक दो हजार की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ग्रेक बेले बार्टेली द्वारा निर्देशित और इसहाक ऑप्टेकर और एलिजाबेथ बर्जर द्वारा लिखित है और बेकी अल और के साइमन बनाम द होमोसेपियस एजेंडा पर आधारित है फिल्म में निक रॉबिन्स जोस डोहा मेल और जेनिफर गार्डन है यह हाई स्कूल के एक गुप्त समलिंग लड़के की साइमन स्पियर्स पर केंद्रित है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार और उसे पूरे स्कूल से बाहर निकलने की धमकी देने वाले ब्लैकमेलर के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही उस गुमनाम सहपाठी की पहचान का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके साथ उसे ऑनलाइन प्यार हो जाता है निर्देशक ग्रेग बर्टली पटकथा की कहानी से हाक ऑप्टेकर और, और एलिजाबेथ बर्जर है आधारित है बेकी अल्बर्टली पर और उत्पादित किया मार्टी बोवेन ने विक गोड्रेन इस ने इसहाक क्लोन्सनर ने पोया सहायक विज्या अभिनीति निक रोबिंसंस जोस दुहा और जेनिफर गार्नर है छायांकर जॉन जॉन सेरियन है संपादित है, हैरी जर्नियन द्वारा संगीत रॉब सिम्पसन द्वारा उत्पादन कंपनी फोक्स टू थाउजेंड फिक्सर्स और टेम्पल्स हिल प्रोडक्शन टी एसनी मनोरंजन वितरित किया गया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2018 हज़ार अठारह फिल्म फेस्टिवल में 16 मार्च 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 110 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 10 से 17 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस तो पर सिक्सटी थ्री सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर तक की कमाई की लव साइमन का प्रेमर छब सत्ताईस फरवरी 2018 को मार्डी ग्रास के एक फे फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहां इस फिल्म के बाद बीसवीं सेंचुरी द्वारा 2018 को 16 मार्च को संयुक्त सेदर, राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों ने फिल्म की बड़े दिल विविध और प्रभावशाली कलाकारों और क्रांतिकारी सामान्य स्थिति के लिए प्रशंसा की और इसे कोमल मधुर और प्रभावशाली और बेहद आकर्षक भीड़ प्रशंसा के रूप में वर्णित किया गया जो मजाकिया गर्व जैसे गर्मजोशी से भरा और जीवन पुष्टि करने वाला एक समीक्षाओं ने इसकी तुलना जॉन हुसेस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से की थी समलैंगिंग किशोर रोमांस पर केंद्रित एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है इसने दुनिया भर में छासठ मिलियन डॉलर की कमाई की और लव विक्टर्स नामक एक टेलीविजन श्रृंखला फिल्म का सम्मान ब्रह्मांड में स्थापित सत्रह जून दो को हुल पर प्रीमियर हुआ जिसमें रोमिंस पहले जीत से जिन सीजन के लिए श्रृंखला के कथानक के रूप में काम कर रहे थे कथानक में बताया गया है कि साइमन स्पियर अट... टलांटा जॉर्जिया के एक उपनगर में रहने वाला एक गुप्त समलैंगिक किशोर था उसका एक गरीबी और प्यारा परिवार था माता पिता एमली और एक जेक और एक बहन नोरा साथ ही तीन सबसे अच्छे दोस्त निक और लिवा जिन्हें वे अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से जानते हैं और नव एबी लिया ने साइमन को अपनी हाई स्कूल के एक बंद समलैंगिक छात्र के ऑनलाइन कबूलनामे के बारे में सूचित किया जिसे वह केवल छात्रा का नाम ब्लू से जाना जाता था साइमन छात्रा का का नाम उपयोग के ईमेल के माध्यम से ब्लू के साथ संवाद करना शुरू हुआ और दोनों व्यक्तिगत वितरण साझा करते थे और एक संबंध बनाते थे इम, उनके उनके ईमेल गलती से एक अन्य छात्र मार्टिन द्वारा खोजे जाते थे जो एबी के से प्रभावित होते थे और अपने रेशिया को जानने के बाद मार्टिन ने साइमन के ईमेल को सार्वजनिक करने की धमकी दी जब वह जब तक कि वह मार्टिन को एबी पर जीत हासिल करने में मदद नहीं करता साइमन यह पता पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि उन उसका कौन सा सहपाटी वास्तव में नीला है एक हेलोवीन पार्टी में साइमन को संदेश हो संदेह होता है कि उसका सहपाटी ब्रेम ब्रेम ब्लू हो सकता है वह उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन बाद में ब्रेम एक महिला छात्र के साथ संबंध बनाता है और निक साइमन को बताता है कि वह उनके मन में एब, एबी के लिए भावना है साइमन ने निक से झूठ बोला और उसे बताया कि एबी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड है लिया नशे में धूत साइमन के घर जाती है और जहां वह स्पष्ट रूप से बोलती है कि उसे कैसा लगता है कि कि उसके भाग्य में एक व्यक्ति से बहुत अधिक प्यार करना लिखा है साइमन का मानना है कि वह निक की बात कर रही है साइमन एक वेफल हाउस में एबी और मार्टिन से मिलता है और जब वह उन्हें आगामी स्कूल संगीत के लिए एक साथ अभ्यास करने के लिए मना लेता है तो साइमन अपने सर्वर लायंस नामक एक सहपाठी के साथ बंध गया और वह अब उसे संदेह संदे है कि लायल लायल बलू हो सकता है उस रात साइमन एबी के पास आता है और जब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो उसे राहत मिलती है एक स्कूल फुटबॉल खेल में साइमन की मुलाकात लायल से होती है इससे पहले कि वह पूछने का साहस जुटा सके और क्या लायल बलू उसे पता चलता है कि लायल वास्तव में एबी में रुचि रखती है और परेशान साइमन एबी से से प्रेमालाप करते समय परेशान करने वाली मार्टिना से कहा कहता है कि यह तो बड़े हो जाओ या घर जाओ मार्टिना ने राष्ट्रगान को बंधित किया और एबी ने एबी के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जब एबी स्वीकार करती है कि वह उन भावनाओं को साझा नहीं करती तो मार्टिन अपमानित होता है और वह हास का पत्र बना सकता है क्रिसमस की पूर्व मध्य पूर्व संध्या पर लोगों को अपने अपमान से विचलित करने के लिए मार्टिन ने स्कूल में की गपशप साइट पर अपने ईमेल पोस्ट करके साइमन को बाहर कर दिया साइमन की बहन नोरा साइमन को सा, संतापना देने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे चुप करा देता है और अपने दोस्तों के संदेश को और और कोलो का जवाब दे नहीं देता साइमन क्रिसमस की सुबह अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें आश्चर्य और स्वीकृति मिलती है छुट्टियों के दिन के बाद निक और एबी जो एक जोड़े हैं और साइमन उसके द्वारा कहे गए झूठ के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के ब्लैकमेल के कारण उन्हें अलग रखने की कोशिश की गई थी लिया और ने साइमन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती थी निक निक से नहीं और इस बात से परेशान है वह पहले एबी के पास आया और उसके दोस्तों द्वारा उससे नाता तोड़ने के बाद साइमन को ब्लू से एक अंतिम ईमेल प्राप्त हुआ और जो इस बात से परेशान है कि ईमेल लीक हो गया ब्लू साइमन से कहता है कि वह उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए इसका ईमेल अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कैफेटेरिया में साइमन और एक खुले आम समलैंगिक छात्र ऐसा कथन का सहपाठी द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और एथन एथन और साइमन उन कठिनाइयों से बंधे हैं जिन जिनका उन्हें बाहर आने में सामना करना पड़ा उसकी माँ के पास पहुँचने और उसकी सांत्वना देने के बाद साइमन ने लिया को माफी मांगी और उसे बताया कि वह ब्लू से प्यार करता है और साइमन ने सब साइट अपने दोस्तों को माफी कर मांगते हुए ब्लू की तलाश करते हुए उसे स्कूल कारनी वाल में मिलने के लिए कहते हुए एक बयान पोस्ट किया और स्कूल संग, संगीत के बाद लिया और निक के एबी साइमन के साथ फ्लै करते हैं और उसके उनके साथ कार्नी कार्निवल में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कार्निवल में ब्लू की प्रतीक्षा करते हुए एक और सवारी खरीदता है सवारी शुरू होने से ठीक पहले ब्रेम साइमन के बगल में बैठता है और आखिरकार खुद को ब्लू के रूप में प्रकट करता है साइमन ने छात्रा के साथ जो चुम्बन देखा था वह उसे नशे में हुई गलत फहमी भी थी वह एक एक साथ शहरियत वहील की सवारी करते और उसे चुमन करते हैं जबकि उनके दोस्त उनका उत्साह बढ़ाते हैं साइमन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और उसका प्रेम के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है अपने दोस्तों और प्रेमी को स्कूल के लिए चुनते समय साइमन सुझाव देता है कि वे अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को छोड़ देंगे और बयान थोड़े साहसिक कार्य पर जाएंगे ढलान में साइमन स्पेयर के रूप में निक रोबिन्सन ने किरदार निभाया है साइमन के पिता के रूप में स्पियर के रूप में जोस मेल नजर आए हैं एमिल स्पियर साइमन की मां के रूप में जेनिफर गार्नर नजर आए हैं लेह बर्क के रूप में कैथरीन लेगफोर्ड साइमन के सबसे अच्छे दोस्त नजर आए हैं निक आइजनर के रूप में जॉर्ज लेडेबोर्ग जूनियर साइमन के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और इब्राहिम ब्रेड ब्रेम ग्रीनफील्ड के रूप में किनिन लोसडेन साइमन की प्रेमिका है केल प्राइस के रूप में माइल्स माइल्स है माइल्स हैजर साइमन के सहपाठियों के रूप में है मार्टिन एडिसन के रूप में लोगन मिलर साइमन के एक सहपाठी में से उसे ब्लैकमेल करता है और मिस्टर वर्थ के रूप में टोनी होल टोनी हेल जिस स्कूल में साइमन जाता है उसका अजीब वाइस प्रिंसिपल है नोरा स्पीयर साइमन की बहन के रूप में तलीथा बैटमैन सिक्स वर्सिया नोरा स्पीयर के रूप में स्काई मोबरे हैं एथन के रूप में क्लर्क क्लर्कमू साइमन के सहपाठियों में से एक है जो उसे खुले तौर पर समलिंग है और जो पोल्रीस लाइस के रूप में स्थानीय भोजनालय में खिलवाड़ को आदि सर्वर है टेलर मेटनेचर मेट के रूप में मैकेज लिंटर साइमन के एक सहपाठियों में से एक है लव साइमन मूवी के फैक्टो रिव्यूज लव साइमन एक 2018 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ग्रेक बेले बार्टेली द्वारा निर्देशित और इसहाप्टर और एलिजाबेथ बर्जर द्वारा लिखित है और बेकी अल अल्बरली और केवन्यास साइमन बनाम द होमोसेपियस एजेंडा पर आधारित है फिल्म में निक रॉबिन्स जोस डोहा मेल और जेनिफर गार्डन है यह हाई स्कूल के एक गुप्त समलिंग लड़के की साइमन स्पीयर्स पर केंद्रित है जो अपने दोस्तों और अपने परिवार और उसे पूरे स्कूल से बाहर निकलने की धमकी देने वाले ब्लैकमेलर के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही उस गुमनाम सहपाठी की पहचान का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके साथ उसे ऑनलाइन प्यार हो जाता है निर्देशक ग्रेग बार्टली पटकथा की कहानी से हाक ऑप्टेकर और, और एलिजाबेथ बर्जर है आधारित है बेकी अल्बर्टली पर और उत्पादित किया मार्टी बोवेन ने विक गोड्रेन ने इस हाक ने पोया सहायक विज्या अभिनीति निक जोस जोश और जेनिफर गार्नर है छाया जॉन गुले सेरियन है संपादित है, हैरी जर्नियंस द्वारा संगीत रॉब सिम्सन द्वारा उत्पादन कंपनी फोक्स टू थाउजेंड फिक्सर्स और टेम्पल्स हिल प्रोडक्शन टी एसनी मनोरंजन वितरित किया गया बीसवीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2018 हज़ार मार्डीग्राफ फिल्म फेस्टिवल में 16 मार्च 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यक्रम 110 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी फिल्म का बजट 10 से 17 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस तो पर सिक्सटी थ्री सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर तक की कमाई की लव साइमन का प्रेमट छ सत्ताईस फरवरी 2018 को मार्डी ग्रास के एक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहां इस फिल्म के बाद बीसवीं सेंचुरी द्वारा 2018 को 16 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया था आलोचकों ने फिल्म की बड़े दिल विविध और प्रभावशाली कलाकारों और क्रांतिकारी सामान्य स्थिति के लिए प्रशंसा की और इसे कोमल मधुर और प्रभावशाली और बेहद आकर्षक भीड़ प्रशंसता के रूप में वर्णित किया गया जो मजाकिया गर्भ जैसे गर्म जोशी से भरा और जीवन पुष्टि करने वाला एक समीक्षाओं ने इसकी तुलना जॉन हुसेस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म से की थी समलैंगिक किशोर रोमांस पर केंद्रित एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो की पहली फिल्म के रूप में उल्लेखनीय है इसने दुनिया भर में छासठ मिलियन डॉलर की कमाई की और लव विक्टर्स नामक एक टेलीविजन श्रृंखला फिल्म का सम्मान ब्रह्मांड में स्थापित सत्रह जून दो हजार बीस को हुल पर प्रीमियर हुआ जिसमें रोमिंस पहले जीत से जिन सीजन के लिए श्रृंखला के कथानक के रूप में काम कर रहे थे कथानक में बताया गया है कि साइमन स्पियर अटलांटा जॉर्जिया के एक उपनगर में रहने वाला एक गुप्त समलैंगिक किशोर था उसका एक गरीबी और प्यारा परिवार था माता पिता एमली और एक जेक और एक बहन नोरा साथ ही तीन सबसे अच्छे दोस्त निक और जिन्हें वे अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से जानते हैं और नव एबी लियो ने साइमन को अपनी हाई स्कूल के एक बंद समलैंगिक छात्र के ऑनलाइन कबूलनामे के बारे में सूचित किया जिसे वह केवल छात्रा का नाम बलू से जाना जाता था साइमन छात्रा छद्धा का नाम जैक्स का उपयोग के ईमेल के माध्यम से ब्लू के साथ संवाद करना शुरू हुआ और दोनों व्यक्तिगत वितरण साझा करते थे और एक संबंध बनाते थे उनके इम, उनके ईमेल गलती से एक अन्य छात्र मार्टिन द्वारा खोजे जाते थे जो एबी के से प्रभावित होते थे और अपने रहस्य को जानने के बाद मार्टिन ने साइमन के ईमेल को सार्वजनिक करने की धमकी दी जब वह जब तक कि वह मार्टिन को एबी पर जीत हासिल करने में मदद नहीं करता साइमन यह पता पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि उन उसका कौन सा सहपाटी वास्तव में नीला है एक हेलोवीन पार्टी में साइमन को संदेश संदेह होता है कि उसका सहपाठी ब्रेम ब्रेम ब्लू हो सकता है वह उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन बाद में ब्रेम एक महिला छात्र के साथ संबंध बनाता है और निक साइमन को बताता है कि वह उनके मन में एबी, एबी के लिए भावनाएं है साइमन ने निक से झूठ बोला और उसे बताया कि एबी का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड है लिया नशे में धूत साइमन के घर जाती है और जहां वह स्पष्ट रूप से बोलती है कि उसे कैसा लगता है कि, कि उसके भाग्य में एक व्यक्ति से बहुत अधिक प्यार करना लिखा है साइमन का मानना है कि वह निक की बात कर रही है साइमन एक विफल हाउस में एबी और मार्टिन से मिलता है और जब वह उन्हें आगामी स्कूल संगीत के लिए एक साथ अभ्यास करने के लिए मना लेता है तो साइमन अपने सर्वर लायंस नामक एक सहपाठी के साथ बंध गया और वह अब उसे संदेश संदेह है कि लायल लायल ब्लू हो सकता है उस रात साइमन एबी के पास आता है और जब वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो उसे राहत मिलती है एक स्कूल फुटबॉल खेल में साइमन की मुलाकात लायल से होती है इससे पहले कि वह पूछने का साहस जुटा सके और क्या लायल ब्लू उसे पता चलता है कि लायल वास्तव में एबी में रुचि रखती है और परेशान साइमन एबी से से प्रेमालाप करते समय परेशान करने वाली मार्टिना से कहा कहता है कि यह तो बड़े हो जाओ या घर जाओ मार्टिना ने राष्ट्रगान को बंधित किया और एबी ने एबी के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जब एबी स्वीकार करती है कि वह उन भावनाओं को साझा नहीं करती तो मार्टिन अपमानित होता है और वह उपहास का पत्र बना सकता है क्रिसमस की पूर्व मध्य पूर्व संध्या पर लोगों को अपने अपमान से विचलित करने के लिए मार्टिन ने स्कूल में की गपशप साइट पर अपने ईमेल पोस्ट करके साइमन को बाहर कर दिया साइमन की बहन नोरा साइमन को सा, संतापना देने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे चुप करा देता है और अपने दोस्तों के संदेश को और और कोलो का जवाब दे नहीं देता साइमन क्रिसमस की सुबह अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें आश्चर्य और स्वीकृति मिलती है छुट्टियों के दिन के बाद निक और एबी जो एक जोड़े हैं और साइमन उसके द्वारा कहे गए झूठ के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के ब्लैकमेल के कारण उन्हें अलग रखने रखने की कोशिश की गई थी लिया और ने साइमन के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती थी निक्स निक्स से नहीं और इस बात से परेशान है वह पहले एबी के पास आया और उसके दोस्तों द्वारा उससे नाता तोड़ने के बाद साइमन को ब्लू से एक अंतिम ईमेल प्राप्त हुआ और जो इस बात से परेशान है कि ईमेल लीक हो गया ब्लू साइमन से कहता है कि वह उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए इसका ईमेल अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कैफेटेरिया में साइमन और एक खुले आम समलैंगिक छात्र ऐसा कथन का सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और एथन एथन और साइमन उन कठिनाइयों से बंधे हैं जिन जिनका उन्हें बाहर आने में सामना करना पड़ा उसकी मां के पास पहुंचने और उसकी सांत्वना देने के बाद साइमन ने लिया को माफी मांगी और उसे बताया कि वह ब्लू से प्यार करता है और साइमन ने गप सब साइट अपने दोस्तों को माफी कर मांगते हुए ब्लू की तलाश करते हुए उसे स्कूल कारनी वल में मिलने के लिए कहते हुए एक बयान पोस्ट किया और संग, स्कूल संगीत के बाद लिया और निक के एबी साइमन के साथ फ्लै करते हैं और उसके उनके साथ कारणी कार्निवल में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं और कार्निवल में ब्लू की प्रतीक्षा करते हुए साइमन साइमन के ने साथियों को को एक बड़ी भीड़ आकर्षित करते हुए फेरिस व्हील की 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 सवारी की। जब वह टिकट टिकट खत्म खत्म हो जाते हैं तो मार्टिन अपने लिए एक और सवारी खरीदता है सवारी शुरू होने से ठीक पहले ब्रेम साइमन के बगल में बैठता है और आखिरकार खुद को ब्लू के रूप में प्रकट करता है साइमन ने छात्रा के साथ जो चुम्बन देखा था वह उसे नशे में हुई गलतफहमी भी थी वह एक एक साथ शहरियत वहील की सवारी करते और उसे चुमन करते हैं जबकि उनके दोस्त उनका उत्साह बढ़ाते हैं साइमन का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और उसका प्रेम के साथ रिश्ता शुरू हो जाता है अपने दोस्तों और प्रेमी को स्कूल के लिए चुनते समय साइमन सुझाव देता है कि वे अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या को छोड़ देंगे और बयान थोड़े साहसिक कार्य पर जाएंगे ढलान में साइमन स्पेयर के रूप में निक रोबिंसन ने किरदार निभाया है साइमन के पिता के रूप में स्पियर के रूप में जोस मेल नजर आए हैं एमिल स्पियर साइमन की मां के रूप में जेनिफर गार्नर नजर आए हैं लेह बर्क के रूप में कैथरीन लेगफोर्ड साइमन के सबसे अच्छे दोस्त नजर आए हैं निक आइजनर के रूप में जॉर्ज लेडेबोर्क जूनियर साइमन के सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और इब्राहिम ब्रेड ब्रेम ग्रीनफील्ड के रूप में किनिन लोसडेन साइमन की प्रेमिका है कैल प्राइस के रूप में माइल्स माइल्स है हैजर्क साइमन के सहपाठियों के रूप में है मार्टिन एडिसन के रूप में लोगन